एक्शन। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड आफ्टरनून बॉयज एंड गर्ल्स। ये बात। सो वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, जहां पर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में अब हम लास्ट सेट ऑफ डिस्कशन में आ गए हैं विद द फर्स्ट यूनिट, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में लास्टली हमने इलास्टिसिटी का पार्ट स्टार्ट किया है, जहां पर हम क्रॉस इलास्टिसिटी तक आकर रुके हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, क्या नहीं होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी समझने के बाद हम समझेंगे द लास्ट पार्ट, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग, जो कि प्योर थ्योरी पार्ट है। इतना पार्ट कंप्लीट होने के बाद हमारा ये फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगा। तो जो कुछ भी डिस्कशन करना है, जो भी खत्म करना है, वो आज के लेक्चर में ही कम हो जाएगी। डिमांड फोरकास्टिंग में जो मेथड में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करता था, अब उन मेथड्स को मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करके सिर्फ थ्योरी के बतौर डिस्कशन करके उसे खत्म करूंगा। ठीक है, इज इट ओके एंड फाइन? राइट, चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन, जहां पर हमने देखा कि अलग अलग टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। नाउ डोंट कंफ्यूज बिटवीन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी? परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। नाउ डोंट यू एवर कंफ्यूज बिटवीन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। इन द लास्ट बोर्ड एग्जाम व्हाट हैपेंड, द क्वेश्चन आस्क्ड वाज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। 60% ऑफ स्टूडेंट wrote the answer types of price elasticity. That is the reason comparatively SP के मुकाबले economics में 4-5 mark हर कोई पीछे रह गया। तो ये यहां पे गलती, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वो भी 10 राउंड के बाद। सही लगती है गलती 10-10 राउंड लिखने के बाद? नहीं ना। तो ये चीजों का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं डिस्कशन ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, द लास्ट कंसेप्ट, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी के आज के डिस्कशन कंप्लीशन होने के बाद हमारा जो डिस्कशन है इलास्टिसिटी के ऊपर का कंप्लीट होता है, और 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स बोर्ड का भी आपका एक 13 मार्क का चैप्टर, चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, राइट, शुरू करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। नाउ क्रॉस इलास्टिसिटी इज नथिंग बट इलास्टिसिटी और चेंज इन डिमांड मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड कमोडिटीज। Measured with respect to related commodities. I have already taught you that related commodities are of two types. One is substitute, another is complementary goods. Yes or no? Related commodities are of two types. One is substitute, another is complementary goods. When one commodity can be used in place of another, it is called as substitute. When one commodity can be used with another, or where the usage of one commodity is dependent on another, it is called as complementary good. Tea, sugar, bike, petrol, these are examples of complementary good. Tiger balm, jhandu balm, yes or no? Fir apna uttappa, dosa, these are substitutes, right? Chai, coffee, ye sare example kya hai? Substitutes ke. Diesel car, petrol car, they both are substitute, yes or no? Right? So, what we have understood in the relationship, we understood the relationship between price of the commodity and quantity demanded of its related goods. जहाँ पे हमने देखा, when the price of the product increases, demand for its complementary good decreases. When the price of the product decreases, demand for the complementary goods increases. Hence, there is inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded of its complementary goods. Yes or no? What did we see in substitute? When the price of the product increases, quantity demanded increases. When the price of the product decreases, quantity demanded decreases. Hence, there is direct positive relationship. Hence, there is direct positive relationship between price of the commodity and quantity demanded of
इट्स सब्सटीट्यूट्स, यस और नो? हाँ या ना? राइट, नाउ व्हेन वी ड्रॉ द डिमांड कर्व ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सटीट्यूट्स, हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू सब्सटीट्यूट? डायरेक्ट पॉजिटिव, वन इंक्रीजेस अनदर इंक्रीजेस, वन डिक्रीजेस अनदर डिक्रीजेस, सो देर इज डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप. वॉट इज द थंब रूल? वेन एवर देर इज डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप द कर्व विल ऑलवेज बी अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Whenever there is inverse relationship between two variables, whenever there is inverse relationship between two variables, the slope of the curve will always be downward sloping from left to right. Yes or no? Haan na? Right? So upward sloping and downward sloping. Upward sloping in case of substitutes, downward sloping in case of complementary good. Now, cross elasticity measures the change in quantity demanded of the related goods with respect to price. Cross elasticity kya measure karta hai? The changes in quantity demanded of whom? Of the related goods. Jaise humne relationship kya dekha tha? What is the impact or what is the change in demand due to changes in the price of the commodity? We saw the relationship between price of the commodity and quantity demanded of the complementary good. गुड्स के प्राइस में बदलाव होने की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट के क्वांटिटी में जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव का डायरेक्शन हमने वहां सीखा था. अब उसको क्वांटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी, और वो इलास्टिसिटी जो रिलेटेड गुड्स के क्वांटिटी चेंज को मेजर करता है, जो रिलेटेड गुड्स के क्वांटिटी चेंज को मेजर करता है, उस इलास्टिसिटी को हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी. क्या कहते हैं उसको? क्रॉस इलास्टिसिटी. क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए. नाउ दिस क्वांटिटी इज विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड गुड्स. नाउ दिस क्वांटिटी इज विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड गुड्स. चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ बी. प्राइस ऑफ बी यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ए क्या है मेरा? जो सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड जिसकी क्वांटिटी डिमांडेड बदल रही है. बी क्या है मेरा? जिसका प्राइस कंसिडरेशन में है. मल्टीप्लाइड बाय प्राइस बाय बी अपॉन क्वांटिटी ऑफ ए. हमने वहां पे रिलेशनशिप किसमें सेटअप किया था? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सब्स्टिट्यूट, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. यस और नो? या हाँ या ना? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड याद है? वहां पे हमने प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ रिलेटेड गुड कंसिडर किया था. बरोबर, तो क्वांटिटी डिमांडेड किसका है? रिलेटेड गुड का. तो ए कमोडिटी क्या बनता है? जिसकी क्वांटिटी बदल रही है, जो किसकी बदल रही है? रिलेटेड गुड की. और बी कमोडिटी क्या है यहां पर? प्राइस, जिसका प्राइस बदल रहा है. वो कौन सा है? मेन कमोडिटी, जैसे टी और शुगर. तो यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड जो कंसीडर कर रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हैं, वो किसका चेंज देख रहे हैं हम? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ शुगर. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ शुगर अपॉन चेंज इन प्राइस किसका मेजर करेंगे हम? टी का, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. टी और कॉफी की अगर बात आ रही है तो टी मेन गुड है हमारा, जिसका प्राइस कंसिडरेशन में है. क्वांटिटी डिमांडेड चेंज सब्स्टिट्यूट क्या, वो क्या है? कॉफी. तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए, तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कॉफी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ टी अपॉन क्वांटिटी ऑफ कॉफी. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. एक एग्जाम्पल ले लूंगा तो बड़े आसानी से समझ में आएगा. कॉम्प्लीकेटेड कुछ नहीं है, सिर्फ बाकी जगह पर कमोडिटी एक ही था. प्राइस क्वांटिटी, इनकम क्वांटिटी. यहाँ पे प्राइस एक गुड का है, क्वांटिटी डिमांडेड बी गुड का है, जो कि एक रिलेटेड गुड है. समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे ए भी आया है, बाकी जगह पे ए भी नहीं आया. इतना ही फर्क है, बाकी कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है. नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एक पहले एग्जाम्पल लेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी का, उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर लूंगा. हर जगह पे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, आपको दिमाग नहीं लगाना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते देख लेना, सब चीजें समझ में आ जाएगी. तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का. द प्राइस ऑफ पेन इज 20 वेयर एज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंक बॉटल इज 5. आर इंक बॉटल एंड पेन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? यस और नो? हाय ना? हाय ना? राइट. द प्राइस ऑफ पेन रिड्यूसेस टू 10 एंड द डिमांड फॉर इंक बॉटल इंक्रीजेस टू 10. राइट, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ता है. अभी हमें क्या बोल रहा है? प्राइस ऑफ पेन रिड्यूसेस टू 10. एक सेकंड, यहां पे कुछ गड़बड़ है, एग्जाम्पल बनाने में गड़बड़ है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है. अब हम एक सेकंड यहां कंसिडर करो कि ये 10 है,
एक मिनट, बरोबर है क्या? बरोबर है, बरोबर है, बरोबर। देखो तो एक बार, प्राइस इज रिड्यूसिंग तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंक बॉटल विल इंक्रीज, बरोबर। ऑल इज ओके एंड फाइन, ठीक है। कैलकुलेट क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए अपन चेंज इन प्राइस ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ बी अपन क्वांटिटी ऑफ ए। अब क्वांटिटी किसकी बदल रही है? इंक बॉटल की। तो ए कमोडिटी क्या हुआ मेरा? इंक बॉटल। प्राइस किसका बदल रहा है? पेन का। तो वो मेरा क्या हुआ? बी कमोडिटी बी। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए 10-5 अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ बी। प्राइस किसका बदल रहा है बेटा? पेन का। 10-20, सॉरी 20-10, ठीक है ना? ओके ओके। 20-10 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी पेन। वो ओरिजिनल प्राइस क्या है बेटा उसकी? 20 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ इंक बॉटल, ओरिजिनल क्वांटिटी, दैट इज 5, बरोबर। सो दिस व्हेन वी सम एंड सॉल्व द आंसर कम्स टू 2। आंसर क्या आता है बेटा अपना इसका? 2। नाउ व्हाट इज 2? 2 डिनोट्स द क्रॉस इलास्टिसिटी। 2 डिनोट्स क्रॉस इलास्टिसिटी। 2 क्या डिनोट करता है? क्रॉस इलास्टिसिटी, यस और नो? अब हम सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं। द प्राइस ऑफ टी इज 10 वेयर एज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी इज 10 kgs। एज द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी विल इंक्रीज, सो इट इज इंक्रीज टू 15 kgs। कैलकुलेट क्रॉस इलास्टिसिटी। चेंज इन क्वांटिटी 15-10 इज 5 अपॉन चेंज इन प्राइस 20-10 इज 10 मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइस, दैट इज 10 डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, दैट इज 20। 10/20, ये 20 है ना? 10/20 क्वांटिटी ऑफ ए, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है? सॉरी 10 ही है, ओरिजिनल 10 ही है, बरोबर है कैलकुलेशन, ठीक है। सो द आंसर कम्स हियर टू इज 0.5। सो द क्रॉस इलास्टिसिटी वैल्यू इन सब्स्टिट्यूट केस इज 0.5 एंड द क्रॉस इलास्टिसिटी वैल्यू इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज 2। इज इट ओके? गिवन लियोन, हाँ तो बेटा तो थोड़ा कैलकुलेशन करता आला पाहिजे। आता तुम्ही नोट्स लिहिणार तेव्हा तुम्ही गिवन घेऊन सॉल्व करा ना। समझला नहीं? कितनों को नहीं समझा? नहीं समझा, ठीक है। ओके ओके बाबा, जैसी प्राइस दिली है तो ओरिजिनल कमोडिटी। प्राइस कोणाची दिली इथे? इथे प्राइस कोणाची दिली है? इथे सेकंड एग्जांपल मध्ये प्राइस कोणाची दिली है? द प्राइस ऑफ टी इज 10, तो टी क्या हुआ बेटा मेरा? कमोडिटी बी। जिसका प्राइस दिया है वो क्या है मेरा? कमोडिटी बी, ठीक है। सब बता रहा हूं, देख लो एक बार, पूरा समझ लो, कोई गड़बड़ नहीं। आपने कहीं भाग के नहीं जाना है, कल अपनी एग्जाम नहीं है, इतने का गड़बड़ नहीं है। देख लो एक बार, अच्छे से देख लो, सबका समाधान हो तो ही हम आगे चलेंगे, ठीक है। नाउ प्राइस किसका है बेटा? ये टी का है, ठीक है। इज इट ओके? इज इट ओके? नाउ टी इज बी कमोडिटी, जिसका प्राइस दिया है। अनदर इज कॉफी। कॉफी का क्या दिया बेटा? क्यू दिया है। तो ये क्या है मेरा? ए कमोडिटी, ठीक है। अब मुझे बताओ, पहले क्या था? 10 10, ये कितना हुआ? 20। ये कितना हो रहा बेटा? 15, ठीक है ठीक है। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए। ए कौन है? कॉफी। इसमें चेंज कितना है? 15-10, ठीक है, अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ बी। बी कमोडिटी प्राइस किसका है? टी का। तो 20-10, 20-10 मल्टीप्लाइड बाय पी बी, यानी ओरिजिनल प्राइस ऑफ बी कमोडिटी, दैट इज टी, जो कितनी है? 10 डिवाइडेड बाय
क्यू ए ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कॉफी विच इज ए कमोडिटी विच इज अगेन 10। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा 0.5। इज इट ओके? अब समझा? और किसे नहीं समझ में आया? और बताना है? अब कैलकुलेशन समझ में ना, ये मेरे को मत बोलना, राइट? समझ में आया कंसेप्ट? समझ में आया? जिसका प्राइस है वो कमोडिटी बी है, जिसका क्वांटिटी है वो कमोडिटी ए है, राइट? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ बी अपॉन क्वांटिटी ऑफ ए। अभी क्लियर? चलो अब यहां पे अगर हम देखें, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सब्स्टिट्यूट जिसकी क्रॉस इलास्टिसिटी 0.5 है, तो यह इलास्टिसिटी कैसी है? इन इलास्टिक। यानी इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? चाय के दाम बदलने से उसके सब्स्टिट्यूट कॉफी के डिमांड में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। ऊपर वाले में आंसर क्या था? 2। तो वो क्या हुआ? इलास्टिक। उससे हमें क्या समझ में आया? चाय के दाम बदलने से उसके शुगर की, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड शुगर है, उसके डिमांड में बहुत ज्यादा बदलाव दिखा जा सकता है। इंटरप्रिटेशन समझ में आया? यस और नो? चलो अगले तरफ आ जाओ, डिमांड फोरकास्टिंग। सो हियर वी कंप्लीट द डिस्कशन ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो वी अगेन हैव कंप्लीटेड 13 मार्क्स ऑफ ए 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स, राइट? ऐसे ताले बजाना बजा सकते, कोई बात नहीं। सो बीइंग अ फाउंडेशन स्टूडेंट, यू हैव स्टार्टेड टू बी अहेड ऑफ द रेस ऑलरेडी। आप अपने क्लास के बाकी दोस्तों के मुकाबले ऑलरेडी अब रेस में आगे दौड़ना शुरू कर चुके हो। इसके बाद एक और यूनिट कंप्लीट करूंगा तो और 12 मार्क, उसके अगले यूनिट में और 12 मार्क, तकरीबन हम 50-55 मार्क एक ही पहले चैप्टर में कवर करने वाले हैं, ठीक है? फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसका उसके अंदर का कुछ है नहीं, सप्लाई में ऑलरेडी कवर है। थ्योरी ऑफ मार्केट है, उसके 2-3 पन्नों में और 15 मार्क कवर होने हैं। तो ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप 12th स्टैंडर्ड में सीखने वाले हो, यानी 50% ऑफ द सिलेबस, 10 out of 5 चैप्टर्स वो ऑलरेडी आपके यहीं कवर हो जाएंगे, ठीक है? जिसके बेसिस पे आप पेपर पूरा लिख सकते हो। सो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग। बिफोर गोइंग ऑन टू डिमांड फोरकास्टिंग, हैव यू हर्ड द वर्ड फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय फोरकास्टिंग? हाथ ऊपर करके जवाब दो, ऐसे बोलो मत। हाँ, टू प्रेडिक्ट। ओके, फोरकास्टिंग मीन्स टू प्रेडिक्ट, अनुमान लगाना। ओके, फोरकास्ट करना, अनुमान लगाना, प्रेडिक्ट करना, फिर उसके बाद फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, ये सारा क्या है? फोरकास्ट करना, ये क्या है? फोरकास्टिंग। डेली बेसिस पे फोरकास्टिंग कहाँ देखते हो? वेदर फोरकास्टिंग। चलो ये बात तो सबको पता है, वेदर डिपार्टमेंट होता है हमारा, हमारा जो वेदर डिपार्टमेंट होता है ये डेली बेसिस पे वेदर की फोरकास्टिंग करता है। कल दिन में परभणी का तापमान ये होने की संभावना है, हल्की बारिश की संभावना है, तूफान की जोर से हवाओं की संभावना है, राइट? कल आपकी एग्जाम है, पढ़ाई कर लो, वरना परसों सोमवार को तूफान आने वाला है। तो ये क्या है? फोरकास्टिंग। कब की? परसों के क्लास की। कल पढ़ाई कर लो, मार्क्स अच्छे ले लो, डिसअपॉइंट मत करो, पेपर डिफिकल्ट है, अच्छे से पढ़ाई करो। जो स्टार्ट टू एंड पूरा 100% पढ़ेगा वो 100% अच्छे मार्क्स लेगा, लेकिन अगर नहीं लोगे तो परसों क्या आएगा बेटा? तूफान। और ये सिल तो आएगी, लेकिन इधर से क्या आएगा? वो तो मेरे तरफ इनकमिंग है, लेकिन यहां से क्या आएगा? थंडर स्ट्रोम आएगा, बिजलियां गिरेगी, कड़केगी, कड़क कड़क, साइक्लोन आएगा, कुछ लोगों के बाल उड़ा ले जाएगा, है ना? कुछ लोगों के बाल उड़ा ले जाएगा। तो ये क्या है? फोरकास्टिंग। ये क्या है बेटा? फोरकास्टिंग। अपन परसों की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, अपन जो है परसों की फोरकास्टिंग कर रहे हैं। सो आई एम ट्राइंग टू प्रिजेक्ट द फ्यूचर,
We are trying to predict the future. So forecasting is all about predicting. So demand forecasting. तो ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? डिमांड को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं. Why does it keep relevance with our discussion? हमारा CA foundation का economics is all about business economics. Is all about business economics. Yes or no? Is all about business economics. In business, when a producer is trying to produce thing, don't you think he should produce those goods who have demand in the market? Before producing the goods, the producer should think whether my goods would whether he should do forecasting of the demand and he should ensure himself कि क्या मैं जो चीज वो बनाने वाला हूं क्या मार्केट में उसकी डिमांड हो सकती है क्या. मान लो कोई मैं ऐसी चीज बना रहा हूं जिसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखता और मैंने उसकी डिमांड फोरकास्टिंग नहीं की, वो चीज बना ली, तो फिर इसमें मेरा फायदा होगा या नुकसान होगा? कोई नई कमोडिटी, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई चीज मार्केट में लॉन्च करने से पहले मुझे डिमांड की फोरकास्टिंग कर लेनी चाहिए. डिमांड की फोरकास्टिंग कर लो तो इससे फायदा क्या होगा? आगे चलकर जो नुकसान हो सकता है उसे टाला जा सकता है, उसे टाला जा सकता है. लेट से मेरे प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डिमांड फोरकास्ट करने से पहले मैं प्लास्टिक बनाते जा रहा हूं, और फिर पता चला लोगों के बीच में अचानक से अवेयरनेस आया कोरोना के बाद और लोगों ने प्लास्टिक यूज करना ही छोड़ दिया, तो इसके ऐसे मेरे बिजनेस में इंपैक्ट होगा क्या? यस. सो शुड आई प्रोड्यूस गुड्स विच डोंट कैरी डिमांड और शुड आई प्रोड्यूस गुड्स विच कैरी डिमांड? एज अ प्रोड्यूसर वन शुड प्रोड्यूस दोज गुड्स विच कैरी डिमांड इन द मार्केट. And for understanding the demand for a commodity in the market, you should be able to forecast the demand for a commodity properly. You should be able to forecast the demand for the commodity properly. Yes or no? Aaya na? Right? So, इस वाले सेक्शन में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से डिमांड को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, किस तरह से डिमांड को फोरकास्ट किया जा सकता है. कल को आप अपना कोई बिजनेस चलाओ और कोई चीज प्रोड्यूस करना चाहो तो यू शुड बी इन पोजीशन टू फोरकास्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी बिफोर यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सेम. अगर आप फोरकास्टिंग कर लेते हो फिर बाद में आप सही निर्णय ले सकते हो कि आपको प्रोडक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. डिमांड फोरकास्टिंग करने के बाद पता चला आपके कमोडिटी के मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो ऐसी चीज प्रोड्यूस करके कोई फायदा है क्या? आप क्या करोगे फिर उसमें? नुकसान दर्ज करोगे. क्या करोगे बेटा उसमें? नुकसान दर्ज करोगे. तो नुकसान दर्ज करने से अच्छा है कि फोरकास्टिंग कर लो और फिर तय करो कि अपने को कोई चीज प्रोड्यूस करना है कि नहीं करना है. दिस वॉज अ न्यू एडिशन टू द सीपीटी सिलेबस. नॉर्मली जो एडिशनल पार्ट होता है, जो नया पार्ट आता है, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट के स्वाभाविक रूप पे एमसीक्यू ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन पता नहीं इस वाले पार्ट में, इस वाले सेक्शन में एग्जामिनर्स की कुछ खास रुचि मुझे दिखाई नहीं दी. दे आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. Hardly one or two MCQs can be asked from the entire demand forecasting. So earlier जब मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने ये पूरा डिटेल में लिया था, ये समझ के कि नया पार्ट है तो इस पर ज्यादा MCQ आएंगे, उस हिसाब से एकदम डिटेल में लिया गया है. इतना ज्यादा डिटेल में इसको देखने पढ़ने की लिखने की जरूरत नहीं है. तो डिमांड फोरकास्टिंग का जो पार्ट है इसके अंदर जब मैं मेथड्स बताऊंगा उस मेथड्स के लिए आप नोट्स नहीं लिखकर मॉड्यूल को रेफर करके शॉर्ट में अपने अपने नोट्स बना सकते हो. ठीक है, जब वो जहां करने करेगा मैं आपको बता दूंगा. तो शुरू करते हैं फोरकास्टिंग. फोरकास्ट मींस प्रेडिक्शन और एनालाइजिंग द फ्यूचर और टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर. जो होने वाला है भविष्य में, जो होने वाला है भविष्य में उसे कहते हैं फोरकास्टिंग. जो बीत गया उसकी फोरकास्टिंग होती है क्या? जो बीत गया वो तो मालूम है हमें, है ना? जैसे साक्षी को 11th के इकोनॉमिक्स में मार्क कम आए, है ना साक्षी? तो कहना इसे मुझे मालूम है साक्षी को 18 मार्क आए पिछले वाले एग्जाम में, राइट? तो एग्जाम में 11 के 18 मार्क है तो उसको लगा मुझे CA पॉसिबल नहीं होगा, आई कैंट परस्यू अ करियर ऑफ CA. तुम्हारे 11वीं के एग्जाम का 30 मार्क का और तुम्हारे करियर का क्या लेना देना है ना? हम जैसे भी होते हिम्मत करने वाले हो, दिल वाले हो ना, सिंघम चिंघम हो, जो नंबर भी कमाए तो भी हिम्मत बोलते कि नहीं मैं CA करेंगा, है ना? तो जो ऑलरेडी मुझे पता है क्या उसका प्रेडिक्शन किया जाता है क्या? नहीं, जो ऑलरेडी आपको पता है उसका थोड़ी प्रेडिक्शन होता है. प्रेडिक्शन उस चीज का लगाया जाता है, फोरकास्टिंग उस चीज की लगाई जाती है
जो आगे भविष्य में होने वाली है, जो आगे भविष्य में होने वाली है, उसको जो मार्क मिले वो उसका पास था जो मुझे ऑलरेडी पता है। उसकी तैयारी देख के, उसकी पूरी प्रिपरेशंस देख के, उसकी सिंसेरिटी डेडिकेशन देख के, उसकी फोरकास्टिंग मैंने ऑलरेडी की है कि उसको बोर्ड में कितने नंबर आ सकते हैं, फाउंडेशन में उसकी क्या परिस्थिति रह सकती है, बताया तुम्हें। सो वट एवर आई सेड यू इफ यू रिमेम्बर साक्षी, जो तुला सांगितले दैट इज ऑल द फोरकास्टिंग आई हैव डन फॉर यू, दैट इज द फोरकास्टिंग आई हैव डन फॉर यू। जैसे बहुत लोगों को होनहार हमारे चिराग है, इन सब चिरागों को जो मैं बोलते आया हूँ, तुम भी हो बेटा गणेश उसमें है। तो जो जो मैं भविष्यवाणी करते हैं, तो मेरी भविष्यवाणी कभी चूकती नहीं है, अपनी फोरकास्टिंग बहुत एक्यूरेट है। कभी आना ऑफिस में, बताता हूँ तुम्हारी कुंडली कैसी है, पढ़ाई को लेकर, बाकी चीजों को नहीं लेकर। अब बोलेगा सर बताओ, आप बोले कुंडली पढ़ते, हाथ देख के बताओ लड़की कैसे मिलेगी, गोरी मिलेगी काले मिलेगी। हाँ वो काम के लिए सुजीत सर, कांटेक्ट सुजीत सर, ठीक है। तो डिमांड फोरकास्टिंग इज ऑल अबाउट प्रेडिक्टिंग और एनालाइजिंग द फ्यूचर, डिमांड फोरकास्टिंग इज अबाउट प्रोडक्शन और एनालाइजिंग द फ्यूचर डिमांड। नाउ व्हाट इज द यूज यूज ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, बिजनेस के अंदर डिमांड फोरकास्टिंग का क्या यूज है, व्हाट इज द यूज। जैसे मैंने कहा कि हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं तो आने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं, तो ऐसे और क्या यूसेज है जिसकी वजह से डिमांड फोरकास्टिंग करनी चाहिए। पहला पॉइंट है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग द प्रोडक्शन, क्या प्रोड्यूस करना है क्या नहीं प्रोड्यूस करना है, ये डिसीजन हम ले सकते हैं अगर हमें पता है मार्केट में किस चीज की डिमांड है किस चीज की डिमांड नहीं है। एक्वायरिंग द इनपुट रॉ मटेरियल, लेट्स से अब जैसे पहला वाला पॉइंट है, फ्रूटी अलग अलग साइजेस में आती है, 250 के टेट्रा पैक में आती है, आधे लीटर में आती है, 1 लीटर में आती है, 2 लीटर में आती है। लेट्स से प्लांट में अभी प्लान है कि 2 लीटर वाली बोतल का ही प्रोडक्शन करना है, लेकिन डिमांड एनालिसिस ये बताता है, डिमांड फोरकास्टिंग ये बताता है कि मार्केट में अभी धूप काले रहने की वजह से छोटे छोटे टेट्रा पैक की डिमांड ज्यादा है, तो अगर कंपनी बड़े 2 लीटर की बोतल बनाते हुए टाइम पास करेगी तो मार्केट में ये डिमांड लूज करेगी, और जिस चीज की डिमांड कम है उसको अगर प्रोड्यूस करते तो इसमें कंपनी का फायदा होगा या नुकसान होगा। तो इससे डिमांड फोरकास्टिंग करने से उसे ये समझ में आएगा प्लानिंग शेड्यूलिंग प्रोडक्शन का कैसा करना है, कि पहले टेट्रा प्रोड्यूस करना है कि पहले 2 लीटर की बोतल प्रोड्यूस करना है। ये निर्णय पे वो कब आ पाएंगे, जब वो डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे। सो नो एक्वायरिंग इनपुट रॉ मटेरियल, जैसे अभी फ्रूटी वाले को मालूम है कि आने वाले दिनों में उनके 1 लाख टेट्रा पैकेट की मार्केट में डिमांड होने वाली है, तो आने वाले 2-3 महीनों में समर में 1 लाख टेट्रा पैकेट की डिमांड होने वाली है, तो एकदम समर में आने के बाद रॉ मटेरियल की तैयारी, आम की जो कुछ भी रेसिपी है जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स है उसकी तैयारी लास्ट मोमेंट पे जमेगी क्या, नहीं। तो 1 लाख आगे चल के प्रोड्यूस करना है तो आगे चल के जो रॉ मटेरियल वो प्रोड्यूस करने के लिए लगेगा उसकी तैयारी भी मुझे आज से करनी पड़ेगी, है ना, राइट। जैसे लॉकडाउन लगा मार्च में, एवरीवन कुड प्रेडिक्ट दैट द लॉकडाउन वुड रिमेन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ 5-6 मंथ्स, हर किसी को अंदाजा आ गया था कि ये लंबा चलेगा, इतना भी लंबा चलेगा नहीं सोचा था, सबको लगा अब खत्म होगा अब खत्म होगा अब खत्म होगा अब खत्म होगा, हर महीने की 1 तारीख आ रही लॉकडाउन के गाइडलाइंस ला रहे अनलॉक के, संपत्तियों का संपत्तियों का संपत्तियों का, महीने भर फिर अपना फिर टाइम पास चालू, महीने की 28 27 28 तारीख आई, अब क्या खोल रहे अब क्या खोल रहे, देखते 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 हम खुद ही देख लो क्लास के ग्रुप में कितनी बार अब हो रहा तब हो रहा तब हो रहा अब हो रहा अब हो रहा ये हो रहा तब हो रहा, अभी भी नहीं हुआ, मैंने वो जान दिया अब नहीं हुआ, नहीं हुआ मुझे तो करना है, जो वो मेरे को लेके जाएंगे पकड़े जाएंगे ठोकेंगे जेल में बंद कर देंगे, बच्चे सब छुड़ा लेंगे, मेरे को छुड़ाओगे ना भाई, तुम्हारे भरोसे भी सब जोखिम लिए हैं, हाँ ना तो काय संबंध है, आप लोग घेन टाका लो होमवर्क दिला बदलून टाका, हाँ ना तो इधर का बदला उधर निकाल लेंगे, इसका भरोसा नहीं मेरे को, ये तो मेरी जमानत भी नहीं होने देंगे, बहुत लिखा था बोले मेरा सर, हाँ राइट। तो एक्वायरिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, सो अब ये देखो कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्शन हो गई मार्च महीने में कि अप्रैल से आगे 6 महीने हमारी फैक्ट्री जो है बंद होने की कतार पे है, लॉकडाउन की वजह से चीजें आगे चलने वाली नहीं है, तो यू आर एबल टू फोरकास्ट दैट देर विल बी नो डिमांड फॉर योर कमोडिटी नेक्स्ट 6 मंथ्स, इज देयर एनी पॉइंट इन बाइंग द रॉ मटेरियल, इज देयर एनी पॉइंट इन बाइंग द रॉ मटेरियल, नो, सो यू विल टेक अ डिसीजन ऑफ नॉट एक्वायरिंग द रॉ मटेरियल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड ब्लॉकिंग योर कैपिटल, आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। नेक्स्ट मेकिंग प्रोविजन फॉर फाइनेंसिस,
We'll talk with respect to COVID-19 because it's a realistic example and can understand very well. Making provision for finance. Demand forecasting जैसी है, उस हिसाब से हम finance का provision कर सकते हैं. Lockdown, unlock की guidelines आ गई और फिर से plan शुरू होने वाला है, फिर से production resume करने वाला है. तो जहां से आगे production resume होगा, वहां से आगे आपको पैसे की finance की जरूरत होगी. क्योंकि बिना पैसे का production होगा क्या? बिना पैसे का business चलता है? नहीं, क्योंकि the finance acts as a arms and legs of a organization or a business. बिना हाथ पैर के आप कुछ कर पाओगे? नहीं, you'll be physically handicapped, right? If you want to do something, you need both arms and legs. आया ना, right? ठीक उसी तरह से finance का है. Finance का provision ठीक तरह से रहेगा तो business सही चलेगा. Finance का provision कैसे करना है, कब करना है, ये कब समझ में आएगा? जब तुम्हें सही समझ में आया कि demand कितना है. Forecasting उसकी अगर सही करो तो, आपको demand forecasting आपने सही की है तो आपको पता है कि आने वाले दिनों में production कितना करना है. और उतना अगर production करना है तो उसके लिए आगे चल के पैसा कितना लगेगा ये भी आपको पता है, जिसके हिसाब से आप उसके provision कर सकते हो. Next, formulating the price strategy. लेट से हमने कोई मोबाइल बनाया जिसकी कीमत हमने 20,000 रुपए रखी. उसके हिसाब से हमने हमारी डिमांड फोरकास्टिंग की 20,000 रुपए के हिसाब से. मार्केट में से डिमांड फोरकास्टिंग जो आया, डिमांड का जो रिस्पांस आया, वो ये बता रहा है कि अभी तो 20,000 के प्राइस पे मार्केट में हमारे मोबाइल की बहुत कम कम डिमांड है. लेकिन भविष्य में अगर इसके हम दाम कम कर लेते हैं तो भविष्य में मोबाइल के डिमांड जो है वो बढ़ सकती है. तो इससे हम प्राइसिंग का डिसीजन ले सकते हैं. डिमांड फोरकास्ट कर रहे 20,000 के हिसाब से तो समझ में आ रहा है कि हमारा मोबाइल मार्केट में कम चलेगा. यही कमोडिटी को 20,000 के हिसाब से मार्केट में डिमांड प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो मार्केट प्रेडिक्शन ये बता रहा है कि हमारा मोबाइल 10,000 में मार्केट में दे दना दन बिकेगा, राइट? तो इसे वी आर एबल टू टेक एडिशन दैट नॉट टू प्रोड्यूस द मोबाइल फॉर 20,000, विल बी टेकिंग एडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग द मोबाइल फोन फॉर 10,000. यस और नो? आया ना, राइट? नेक्स्ट प्लान. अभी यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है. लेट्स से आई हैव सेट अप, हमारे क्लास में प्रीति है, प्रीति के रिश्तेदार है तलरेजा. वो तलरेजा का हमारे यहाँ पर MIDC में एक फैक्ट्री है फूड प्रोडक्ट का, जो है मोती नमकीन. नमकीन पता है? मोती नमकीन, अलग अलग चूड़ा वगैरह वगैरह, अलग अलग फराली आइटम्स वो बनाते हैं. लेट्स से उन्होंने अब निर्णय लिया है, दे हैव टेकन अ डिसीजन ऑफ प्रोड्यूसिंग आइसक्रीम, ऑफ प्रोड्यूसिंग आइसक्रीम. तो अभी डिमांड फोरकास्टिंग जो है, डिमांड फोरकास्टिंग इन सभी चीजों में विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट कैसे काम करती है देखने की कोशिश करो. जैसे अभी मैंने जो चीजें बोली उसी तरह से सब चीजें होगी, लेकिन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मोती आइसक्रीम दिया है तो इसका स्टडी तुम खुद करना. अभी हर पॉइंट में क्या क्या करने का इस्तेमाल, क्या क्या चीजें हैं, ये तो मैंने आपको समझा दी सारे 6 पॉइंट. इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब यही 6 डिसीजन अगर आपको मोती आइसक्रीम के हिसाब से लेना है, विद रिस्पेक्ट टू डिमांड फोरकास्टिंग, प्लानिंग शेड्यूलिंग, एक्वायरिंग इनपुट, मेकिंग प्रोविजन फॉर फाइनेंस, फॉर्मुलेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और प्लानिंग फॉर एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें करनी है. ठीक है, मैं बता देता हूँ. प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ प्रोडक्शन. प्लांट किसका बना रहे बेटा? आइसक्रीम का. दे दनादन डिमांड कब रहेगी? समर में. समर में दे दनादन डिमांड रहेगी. तो समर में प्रोडक्शन करूंगा तो सप्लाई कर पाऊंगा क्या? नहीं, मुझे प्रोडक्शन की शुरुआत विंटर से ही करनी होगी. एंड समर के टाइम पे तो जितना प्रोडक्शन होगा उतना पूरा की पूरा बिकेगा. मेरे पास स्टॉक रहेगा क्या? नहीं. और बाकी विंटर में प्रोड्यूस करूंगा तो विंटर में कोई लेगा क्या? नहीं. तो वहां पे एक से स्टॉक पड़ा रहेगा. तो इसलिए मुझे अभी से विंटर से थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन करके स्टॉक जमा करना होगा, उसे प्रिजर्व करना होगा, और फिर बाद में जैसे समर शुरू होता है इमीडिएटली पुराना स्टॉक क्लियर करके नया प्रोडक्शन करते रहना होगा. इस तरह से मुझे प्लानिंग और शेड्यूलिंग मेरे प्रोडक्शन की करनी पड़ेगी. लो प्रोडक्शन इन विंटर, हाई प्रोडक्शन इन समर. ज्यादा जोर लगा के प्रोडक्शन कब करना पड़ेगा? समर में. और उसके मुकाबले 50% कैपेसिटी पे कब चलाना होगा? विंटर में. ये कब कर पा रहा हूं? When I'm able to forecast that demand for my commodity ice cream will be more in summer and less in winter. Are you able to get the point? Next point, acquiring of input raw material. Production ज़्यादा कब है बेटा मेरा? Summer में. तो raw material ज़्यादा कब लगेगा? Milk product जो लगने वाले हैं ice cream में, जो कुछ भी चीज़ें लगने वाली ingredients, वो ज़्यादा कब लगेगी? Summer में. कम production कब है मेरा? Winter में. तो मुझे कम input कब लगेगा? Winter में. Yes or no? Right? So low stock of raw material in winter, high stock of raw material in summer. Making provision for finance. Finance or you can say working capital for production of the goods. मेरा production ज़्यादा कब है? Summer में. ठीक है, तो मेरे को ज़्यादा पैसा production के लिए कब लगेगा?
समर में, मेरा विंटर में प्रोडक्शन लो है, तो मुझे पैसा भी वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, कम। अब वर्किंग कैपिटल यानी वो कैपिटल जो हमें डे टू डे प्रोडक्शन को फाइनेंस करने के लिए जो पैसा लगता है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो विंटर में प्रोडक्शन कम है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा कम लगेगा, कम। समर में प्रोडक्शन ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा कम लगेगा, ज्यादा। यस और नो, यस और नो, राइट। फिर इसके बाद फॉर्मुलेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, फॉर्मुलेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, लो प्राइसेस इन विंटर, हाई प्राइसेस इन समर, क्योंकि समर में तो आइसक्रीम कोई भी खाएगा, ज्यादा दाम पे बेचोगे तो लोग जरूरत महसूस करते हैं, डिमांड ज्यादा होती है तो बिक जाएगा, विंटर में कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम डिस्काउंट देंगे, एक लीटर आइसक्रीम के साथ एक लीटर आइसक्रीम फ्री, तो प्राइस कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा, कब, विंटर में। और समर में एक लीटर पे जितना दाम है उससे थोड़ा ज्यादा ही दाम लगा रहे हैं, तो हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी किसके ऊपर बेस्ड है, डिमांड फोरकास्टिंग के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब मुझे बोलो प्लानिंग फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा कब करना पड़ेगा, समर में या विंटर में, समर में या विंटर में, समर या विंटर, किसको लगता है समर, किसी को लगता है समर में ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, किसी को लगता है समर में ऑलरेडी आइसक्रीम बिकती है तो लोग ऐसे भी खाएंगे वैसे भी खाएंगे, विंटर में नहीं खाते हैं डिमांड कम है तो याद दिलाना पड़ता है आओ आइसक्रीम खाओ, तो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा काम करनी पड़ेगी आपको विंटर में। सो हाई प्लानिंग इन विंटर फॉर एडवर्टाइजमेंट, लो प्लानिंग इन समर फॉर एडवर्टाइजमेंट। आई होप डिमांड फोरकास्टिंग इन अलग पॉइंट पे एक बिजनेस को किस तरह से हेल्प करता है, अब ये तो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ चुका होगा, आया ना, यस और नो। नाउ अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग, व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, स्कोप यानी हम कोई चीज करते तो उसका स्कोप देखते हैं, जैसे हम सीए कर रहे हैं तो सीए में हमारा स्कोप क्या है, हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो उसी तरह से डिमांड फोरकास्ट करने से क्या स्कोप बनता है हमारा या हमारे बिजनेस में, ये अभी हमें समझना है। फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन एरिया ऑफ लोकेशन, एरिया और यू कैन से इट इज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल लोकेशन। डिमांड फोरकास्टिंग विद रिस्पेक्ट टू माय पर्टिकुलर परभनी सिटी इज डिमांड फोरकास्टिंग विद रिस्पेक्ट टू द ज्योग्राफिकल एरिया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। डिमांड फोरकास्टिंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज अ फोरकास्टिंग विच इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, यस और नो, वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड आउट द डिमांड फॉर सॉफ्टवेयर इन पुणे। अगर डिमांड फॉर सॉफ्टवेयर इन पुणे रहता तो वो क्या होता बेटा, ज्योग्राफिकल फोरकास्टिंग। लेकिन जब हम सर्विस या प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड या फोरकास्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। जैसे टीसीएस है, एरिया ऑफ ऑपरेशन इन मोर देन 50 कंट्रीज, टीसीएस जैसे का 50 देशों से ज्यादा में काम है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, तो जब हम टीसीएस की डिमांड 50 कंट्री में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ज्योग्राफिकल फोरकास्टिंग। वो कौन से प्रोडक्ट, उनके कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मार्केट में चलते हैं, तो दैट इज प्रोडक्ट फोरकास्टिंग और सर्विस फोरकास्टिंग, यस और नो, आया ना, राइट। नाउ द फोरकास्ट ये क्या है बेटा, नाउ द फोरकास्ट कैन बी डन ऑन माइक्रो लेवल फोरकास्टिंग एंड टाइम पीरियड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग को हम मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे फोरकास्ट कर सकते हैं या टाइम पीरियड, वक्त के हिसाब से उसकी फोरकास्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगले 2 महीने की डिमांड चेक करना है, 3 महीने की, 6 महीने की, दिस इज टाइम फोरकास्टिंग। जब मुझे जो नया प्लांट बनाने जा रहा हूं आइसक्रीम का, उसके अगले 5 साल की डिमांड प्रेडिक्ट करना है, दैट इज मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग। मैंने आइसक्रीम की फैक्ट्री बना ली, आने वाले समर में 3 महीने में मेरी डिमांड क्या रहेगी जो मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूं, इज इट मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग और इज इट टाइम फोरकास्टिंग, दैट इज टाइम फोरकास्टिंग। दोनों के बीच का फर्क समझा, मैं आइसक्रीम प्लांट का अगले 5 साल का डिमांड फोरकास्ट करना चाहता हूं, दैट इज मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग, यस और नो, राइट। लेकिन जब मैं पूरा ओवरऑल जो डिमांड है उसको सिर्फ एक समर सीजन तक फोरकास्ट करना चाहता हूं, दैट इज टाइम पीरियड फोरकास्टिंग, इज इट ओके एंड क्लियर। नाउ
मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग कैन बी इंडस्ट्रियल लेवल फोरकास्टिंग एंड फर्म लेवल फोरकास्टिंग। जैसे वाडीलाल इज आइसक्रीम ब्रांड, वाडीलाल इज ट्राइंग टू फोरकास्ट द डिमांड फॉर देयर आइसक्रीम इन द मार्केट, और मोती आइसक्रीम इज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द डिमांड फॉर देयर आइसक्रीम्स इन द मार्केट। नाउ दिस फोरकास्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड एज फर्म लेवल फोरकास्टिंग। डिमांड फॉर ACC सीमेंट, डिमांड फॉर अल्ट्राटेक सीमेंट, डिमांड फॉर अंबुजा सीमेंट, डिमांड फॉर वाडीलाल आइसक्रीम, डिमांड फॉर कोका कोला, डिमांड फॉर पेप्सी, दीज आर फर्म लेवल फोरकास्टिंग। आर वी क्लियर? दीज आर फर्म लेवल डिमांड फोरकास्टिंग। देन व्हाट इज इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग? डिमांड फॉर सीमेंट इज इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग, डिमांड फॉर ACC सीमेंट इज फर्म लेवल फोरकास्टिंग, डिमांड फॉर आइसक्रीम इज इंडस्ट्रियल लेवल फोरकास्टिंग, डिमांड फॉर वाडीलाल आइसक्रीम इज अ फर्म लेवल फोरकास्टिंग, डिमांड फॉर फुटवेयर इज अ इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग, यस और नो? डिमांड फॉर क्रॉक्स इज फर्म लेवल फोरकास्टिंग। आई होप द डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग एज इंडस्ट्री एंड फर्म लेवल फोरकास्टिंग इज क्लियर। इज इट क्लियर? यस और नो? नाउ टाइम पीरियड फोरकास्टिंग, नेक्स्ट पॉइंट हियर इज टाइम पीरियड फोरकास्टिंग। टाइम पीरियड फोरकास्टिंग कैन बी शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। व्हेनेवर वी डू इट फॉर अ स्मॉल पीरियड और शॉर्ट पीरियड, इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड फोरकास्टिंग। एग्जाम्पल, डिमांड फॉर मोबाइल फोन इन नेक्स्ट 6 months। व्हेनेवर वी डू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट द डिमांड फॉर मोबाइल फॉर नेक्स्ट 3 years, देन इट विल बी लॉन्ग पीरियड फोरकास्टिंग। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर विद द टाइप्स ऑफ द फोरकास्ट? यस और नो? फॉर्मुला न करने सारे का है? सीमेंट प्रोवाइड करने वाला ACC एक है या बहुत सारे लोग हैं? सीमेंट खाली ACC प्रोड्यूस करता है? कितने सारे लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, बराबर। बांगर, अंबुजा, बिरला, अल्ट्राटेक, ACC एटसेट्रा एटसेट्रा, बराबर। तो सीमेंट की डिमांड जब मैं बोलता हूँ, आई एम ट्राइंग टू फोरकास्ट द डिमांड फॉर सीमेंट, सो एम आई डूइंग टू फोरकास्ट फॉर द इंडस्ट्री एंटायरली और आई एम ट्राइंग टू फोरकास्ट द डिमांड फॉर अ सिंगल ब्रांड इंडस्ट्री? तो ये क्या हुई? इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग। और जब मैं बोल रहा हूँ आई एम ट्राइंग टू फोरकास्ट द डिमांड फॉर ACC सीमेंट, तो सिंगल फर्म हो गया। नहीं समझ सके का झालं झाले, करंट लागा काय म्हणाले ते लेकरू, लय डोकं दुखायले, लय सर शिकवायले, आज तर माझा काय कर्म नस अरे भाले लबाड, इथं मला सगळं कळतंय। इकडे चल, या फर्स्ट बेंच पे तू इकडा, आ जल या। नाउ डिमांड डिस्टिंक्शन, नेक्स्ट पॉइंट हियर इज डिमांड डिस्टिंक्शन। हाउ कैन डिमांड बी डिस्टिंग्विश्ड? डिमांड फॉर गुड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ गुड्स। डिमांड को किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है? डिमांड को हम गुड्स के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं बाय द कंज्यूमर्स, और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं क्या? नहीं, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जाता है, दे आर यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सो रॉ मटेरियल इज अ कैपिटल गुड। लेकिन जो हम डायरेक्ट चॉकलेट खा रहे हैं, चॉकलेट इज अ कंज्यूमर गुड, जिसे हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। तो डिमांड को डिस्टिंग्विश करना है। दिस डिस्टिंक्शन और दिस डिफरेंशिएशन इन डिमांड कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। जो चीजों को इस्तेमाल करके, जिन चीजों का डिमांड करके हम फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर गुड्स।
जिन चीजों का इस्तेमाल करके हम कंजम्पशन करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर गुड्स। एग्जाम्पल आटा। नाउ अंडरस्टैंड माई पॉइंट, प्लीज पे अटेंशन। फ्लोर, आटा, आटे का इस्तेमाल करके घर पे चपाती बनाए और चपाती खा लिए और डकार लिए, कंजम्पशन हो गया, राइट। आटा लेके आया, चपाती बनाई, सत सनासन सूत लिए और सूत के डकार ले लिया। नाउ आई हैव कंज्यूम्ड द फ्लोर। नाउ एज पर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, द फ्लोर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कैसे होगा? येड़े, क्या चपाती में बना के बाहर के मेस के डब्बे बेच रहा क्या? आटा जो है आटे का इस्तेमाल मैं घर पे खाने के लिए कर रहा हूं। आटा लेके चपाती बैठ के मैं, मेरे दो गरीब लेकर, मैं गरीब आदमी, मेरे गरीब बीवी, हम चारों लोग बैठ के गरीबी गरीबी में खाना खा रहे हैं, बरोबर है क्या? तो हम सब गरीब क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं उसको। हम सब गरीब क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम सब गरीब कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये क्या हुए? कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कैसे हुए? ओ, प्रोड्यूसर गुड्स कैसे हुए? लॉजिक समझा मेरे को। आटे से चपाती बने तो क्या प्रोड्यूसर गुड्स बन गए क्या? प्रोड्यूसर गुड्स का दिमाग लगाओ रे बाबा। अरे रे रे, डोके वापरा, डोके 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 डोके। फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है मैं किसी चीज को डिमांड कर रहा हूँ, उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई नई चीज बना रहा हूँ और उसको सप्लाई कर रहा हूँ, उसको बेच रहा हूँ, तो वो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है। किसी के ऊपर प्रोसेस करना है ना, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं होता। आटे को घुलाकर चपाती बनाकर खाकर डकार लेना इज नॉट प्रोडक्शन। डकार लेना प्रोडक्शन है क्या? हाँ, तो मेस में आएंगा ना, तो ठहर ना जरा, गड़बड़ कर रहा है, रुक ना जरा, दूसरे एग्जांपल पे आने देना। अभी के कंटेक्स्ट में क्या है? कंज्यूमर गुड्स। अभी के कंटेक्स्ट में क्या है? कंज्यूमर गुड्स। मैंने आटा लिया, आटा घोला, आटे को बनाया, आटे से ब्रेड बनाया, ब्रेड बनाकर ब्रेड के पैकेट बनाए और उस ब्रेड पैकेट को मार्केट में बेचा। आप बोलो क्या है? अब क्या है? कंज्यूमर है क्या? क्या कर रहा हूं मैं आटे से? क्या कर रहा हूं? फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी खाली उसका फॉर्म बदलना नहीं होता, समझे क्या? समझे क्या? आया ना? सर नो। मान लो आपने अलग अलग सामग्री के अलग अलग वो स्क्वैश और लेके आया, क्या बोलते हैं उसको अपन, वो जिसको लेकर बना अलग घर में मिल्कशेक वगैरह बनाते हैं, क्रश, अलग अलग क्रश होते। मान लो स्ट्रॉबेरी क्रश, क्रश होता बेटा, क्रश नहीं होता, क्रश। हाँ, तुम्हारी आदतें बहुत बिगड़े वाली वैसे भी। क्रश होता है, क्रश, तो स्ट्रॉबेरी क्रश। क्रश नहीं रे विष्णु, क्रश। तो स्ट्रॉबेरी क्रश, उसकी बॉटल आती है, तो स्ट्रॉबेरी क्रश की बॉटल लाए, हमारे गरीब के घर में लेके आए, गरीब के बीवी ने स्ट्रॉबेरी क्रश का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा उसमें दूध डाला, उसमें स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाए, गरीब गरीब के दो बच्चे, गरीब की बीवी बैठ के पी ली है, तो ये क्या है? तब वो स्ट्रॉबेरी क्रश जो लेके आए वो क्या है? अबे वो कंज्यूमर गुड्स है। क्या है वो? कंज्यूमर गुड्स। क्या है वो? कंज्यूमर गुड्स। स्ट्रॉबेरी के क्रश की बॉटल लाए, लाके कॉपी लंच में लेके गए, क्रश में दूध मिला है, दूध मिला के क्रश बना के स्ट्रॉबेरी शेक बनाए, हमारे जूली को पिला है और जूली से पैसे ले लिए, तो आप स्ट्रॉबेरी बॉटल क्या है? समझे क्या? समझे कि नहीं समझे? आओ गुड़े, हाँ, ये आसान था क्या? अगर मैं मेस चला रहा हूं, तो मेरे लिए सब्जियां, मेरे लिए आटा, मेरे लिए तेल, ये सब क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स। वही चीजों का इस्तेमाल, सब्जियां, आटा, तेल का इस्तेमाल गरीब और गरीब के बेटे, बच्ची और बीवी बैठ के खाने के लिए कर रहे, तो क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स। आर वी क्लियर? राइट, नेक्स्ट, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल।
एक एड सुना है आपने, कौन से सेल का है वो? ड्यूरा सेल, लंबा चले ड्यूरा सेल, 10 बार दारू दे लंबा चले, बरोबर। अब ये बात समझो, ड्यूरा सेल जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। सो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल में कैसा डिफरेंशिएट करेंगे? जैसे दूध, सब्जियां, ये चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं, आर दे पेरिशेबल इन नेचर? मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, डू दे हैव लॉन्ग लाइफ और शॉर्ट लाइफ? शॉर्ट लाइफ। सो आर दे ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल? देर आर नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल वो जिसकी लाइफ लंबी हो, नॉन ड्यूरेबल हो जिसकी लाइफ कम हो। जैसे एसी पिछले साल लगाई है, ये साल भी चल रही है, अगले साल भी चलेगी, जब तक क्लास है तब तक चलेगी, जब तक वो खराब नहीं होती तब तक चलती रहेगी। अभी लैपटॉप है, पुराना है, गरीब का है, चल रहा है, चलता रहेगा। अभी अपन ने सॉफ्टवेयर लाया, 1-2 दिन चलेगा क्या? नहीं। अब जब तक यहाँ पे ऐसा फिट है तब तक चलता रहेगा, ठीक है ना? जब तक एसपीसी यहाँ पे तब तक चलता रहेगा। सो ये सारे एग्जाम्पल किस चीज के बेटा? ड्यूरेबल गुड्स। बाइक क्या है? ड्यूरेबल। भले बीमार बुल्ली हो, कोई भी हो, गरीब की हो, ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल, व्हेन गुड्स कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे आर कॉल्ड एज ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल का एग्जाम्पल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फिर आपका वेजिटेबल्स, दे कैन बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो दे आर कॉल्ड एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नाउ डिराइव्ड डिमांड एंड ऑटोनॉमस डिमांड। डिराइव्ड डिमांड यानी जब किसी एक कमोडिटी की डिमांड दूसरे कमोडिटी से डिराइव होती है तो हम कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। एग्जाम्पल पेट्रोल। पेट्रोल की खुद की डिमांड है क्या? नहीं। पेट्रोल की डिमांड किससे क्रिएट होती है? टू व्हीलर से। किससे क्रिएट होती है? टू व्हीलर से। सो डिमांड फॉर पेट्रोल इज डिराइव्ड डिमांड। ऑटोनॉमस डिमांड वेजिटेबल्स। वेजिटेबल की डिमांड किसी से डिराइव होती है क्या? नहीं, उसकी अपनी खुद इंडिपेंडेंट डिमांड है। मिल्क की अपनी खुद की एक डिमांड है, अपनी एक इंडिपेंडेंट डिमांड है, जो किसी के ऊपर से डिराइव नहीं होती, किसी के ऊपर निर्भर होकर डिराइव नहीं होती। तो ये डिमांड क्या होगी बेटा मेरी? ये डिमांड क्या होगी मेरी? ऑटोनॉमस डिमांड। क्या होगी बेटा मेरी? ये ऑटोनॉमस डिमांड। यस और नो? डीजल, पेट्रोल, ये एग्जाम्पल किस चीज के हैं? डिराइव्ड डिमांड के। मिल्क एग्जाम्पल किस चीज का है? वेजिटेबल्स, ये सारे किस चीज के हैं? ऑटोनॉमस, यानी जिस वस्तु की डिमांड किसी और डिमांड, किसी और वस्तु की डिमांड पे निर्भर नहीं करती। द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कमोडिटी इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस डिमांड। नेक्स्ट, फर्म डिमांड एंड इंडस्ट्री डिमांड। फर्म डिमांड एंड इंडस्ट्री डिमांड। डिमांड फॉर सीमेंट इज अ इंडस्ट्री लेवल डिमांड। डिमांड फॉर एसीसी सीमेंट इज अ फर्म लेवल डिमांड। आई होप दिस इज क्लियर। सर नो आया ना? शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड। वेन एवर अ डिमांड इज मेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट रन डिमांड। वेन एवर डिमांड इज मेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग रन डिमांड। द डिमांड फॉर हाउसेस, रो हाउस, फ्लैट्स, इट्स अ लॉन्ग टर्म। डिमांड फॉर फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स इज अगेन लॉन्ग टर्म। अगेन इट इज लॉन्ग टर्म। डिमांड फॉर मास्क, शॉर्ट टर्म। मैं तो पता चला कर रही हूँ जूली, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल है, वही मास्क पहन के आ रहे, होता है क्या ऐसे? नहीं। तो डिमांड जो एक लंबे दौर के लिए चलती है दैट इज लॉन्ग रन डिमांड, और डिमांड जो एक छोटे दौर के लिए होगी दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट रन डिमांड। खाने पीने चीजों की जरूरत जो हमें महसूस है, जिसकी हम डिमांड करते हैं, वो उस वक्त के लिए उतने पीरियड के लिए होती है। हर महीने हम जो है उसकी डिमांड करते रहते हैं, तो उसकी डिमांड कैसी है? शॉर्ट रन डिमांड। यस और नो? सो दिस इज ऑल द डिस्टिंक्शन ऑफ डिमांड। दिस इज द एंटायर डिस्टिंक्शन ऑफ डिमांड, और हाउ वी कैन डिफरेंशिएट डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स। समझा? कुछ हार्ड है इसमें? कुछ भी नहीं। अब अगले पार्ट में अपने को देखना है फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर सच वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटी। इन डिस्टिंक्टिव टाइप में से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गुड्स हमने देखना है, और उन गुड्स की डिमांड किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है ये यहां पर हमें चर्चा करना है। जैसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नाउ व्हाट आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, विच हैव अ लॉन्ग लाइफ, विच डू नॉट हैव अ लॉन्ग लाइफ, which cannot be used for a longer period of time are called as non-durable good.
जैसे मिल्क, वेजिटेबल्स, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नाउ अंडर दिस साइड ऑफ फैक्टर्स वी विल बी लुकिंग इन टू कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसके वजह से इन नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड डिटरमाइन होती है. इन सब नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड डिटरमाइन होती है. देर आर थ्री मेजर फैक्टर्स विच इफेक्ट द डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स. दे आर डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बताया था मैंने, इनकम माइनस वट एवर टैक्स वी पे इज आर डिस्पोजेबल इनकम, इज आवर डिस्पोजेबल इनकम. जो आपकी इनकम है उसमें से जो इतना आप टैक्स भरना है, आप पे करने के बाद जितना पैसा आपके पास बच जाता है वो आपका क्या है, डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम समझना इसलिए जरूरी है, मेरी इनकम 10 लाख है तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है क्या, नहीं, उसमें से कंपलसरी मुझे सरकार को कुछ ना कुछ टैक्स भरना पड़ता है. वो जो टैक्स भरने के बाद जो रकम मेरे पास बचेगी उसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि 3 लाख रुपए टैक्स है तो वो सरकार को भरना है, वो बाहर में खर्च कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता. तो पहला पॉइंट क्या है, डिस्पोजेबल इनकम. दूसरा बात क्या है, प्राइस. नॉन ड्यूरेबल गुड्स के प्राइस के चेंजेस की वजह से उसके डिमांड में क्या फर्क आता है. नेक्स्ट डेमोग्राफी. डेमोग्राफी और द रीजन यू कैन से, और द कल्चर, सोशो इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल कल्चर. सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्पोजेबल इनकम. इट मींस इनकम रिमेनिंग आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर, द डिमांड फॉर द फूड आइटम इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम एंड वाइस वर्सा. अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो जो चीजें आप शॉर्ट वक्त के लिए इस्तेमाल कर रहे हो उसकी डिमांड बढ़ाओगे या कम करोगे, बट ऑब्वियस बढ़ाओगे. वेजिटेबल खाने पीने की जरूरत चीजें समझो छोड़ दो. मान लो कोई चीज लेनी है, कोई ड्रेस खरीदना है आपको, आपको मालूम है सिर्फ इसको एक आध महीने के लिए पहनना है, ज्यादा आपको पहनना नहीं, अगले महीने वापस बदल देंगे. तो अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो ऐसे एक एक दो दो महीने के लिए कपड़े लेने के लिए आप बिल्कुल भी नहीं कतराओगे, क्योंकि आपको मालूम है इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए यूज करना है. वही अगर आपकी इनकम कम है तो कोई चीज, कोई ड्रेस भी आप एक महीने लेने से सोचोगे, आप ये सोचोगे ये ड्रेस अभी ले लिया इसको मैं अगली दिवाली तक चलाऊंगे, राइट. तो इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द इनकम. अगर आपका इनकम ज्यादा है तो आप नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, जिसको बहुत कम टाइम के लिए इस्तेमाल करके कंज्यूम कर लेना है, उसकी डिमांड आप कम करोगे. लेकिन अगर आपकी इनकम कम हो जाती है, अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड कम करोगे, अगर इनकम बढ़ जाती है तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड आप बढ़ा दोगे. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है. नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इंक्रीज इन द प्राइस वुड लीड टू डिक्रीज इन डिमांड ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड वाइस वर्सा. जो चीज हम कम वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या उसके लिए हम ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है, नहीं. अब एसी 30-35 हजार में फिर भी हम लेने के लिए तैयार है, क्योंकि मालूम है आपने को इसका बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा. ये सॉफ्टवेयर मुझे 5 लाख में लगा है फिर भी मैंने लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है इसका बेनिफिट मुझे 5 साल तक मिलना है, तो इसके लिए 5 लाख रुपए भी खर्चा करने के लिए तैयार हूँ. लेकिन इसी 5 लाख रुपए का इस्तेमाल मुझे सिर्फ 1 महीने का होता तो मैं करता क्या, नहीं, करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचता और करता भी नहीं. जब मुझे मालूम है कि इसका इस्तेमाल मैं ज्यादा पीरियड के लिए कर रहा हूँ, जब मुझे मालूम है जब इसका इस्तेमाल मैं ज्यादा पीरियड के लिए करने वाला हूँ, तब मैं वो खर्च कर रहा हूँ. तो ऐसी जो चीज है जिसकी पहले ही लाइफ कम है उसके अगर प्राइस बढ़ जाते हैं, मान लो इस कैमरे की जो लाइफ है वो सिर्फ 1 महीने की है, उसका प्राइस पहले 20 था 40 हो गया, 20 महीने में पहले ये 1 महीना मेरे इस्तेमाल के लिए आने वाला था, अब 40 हजार रुपए में मुझे 1 महीने के लिए इस्तेमाल आने वाला है, तो अब मैं 40 हजार खर्चा करने के लिए तैयार रहूंगा क्या, नहीं. समझ में आ रहा है. तो अगर नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, अगर उसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड कम होती है, अगर उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ने लगती है. नेक्स्ट, डेमोग्राफी. नॉर्मली इसलिए देखो, जब आप ड्रेस खरीदने जाते हैं, जब आप टेम्पररी 1-2 महीने के लिए डेली यूज के लिए ड्रेस खरीदते हैं तो वो महंगा खरीदते हैं सस्ता खरीदते हैं, सस्ता. और वही ड्रेस आपको मालूम है कि अगले दिवाली तक पहनना है तो आप अच्छे से अच्छा ड्रेस, महंगा ड्रेस खरीदने की कोशिश करते हो, समझे, राइट. नेक्स्ट, डेमोग्राफी. द डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स चेंजेस एज पर द डेमोग्राफी. डेमोग्राफी का मतलब होता है ज्योग्राफिकल एरिया. डिमांड फॉर पोहा इन महाराष्ट्र एंड डिमांड फॉर इडली इन साउथ. डेमोग्राफी के हिसाब से जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है उसकी डिमांड बदलती है. इडली या राइस एक नॉन ड्यूरेबल गुड है, उसकी डिमांड आंध्रा में बहुत ज्यादा है. यू वेंट टू तिरुपति, यू गो टू तिरुपति, यू सिट इन अ भोजनालय, सी अ तेलुगु पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ही राइस प्लेट, यस कमिंग राइस, बहुत डेंजर खाते हो,
कभी बैठ के टिपिकल देखना किसी को राइस खाते हो तेलुगु के, खाना खाना ही छोड़ दोगे तुम, वो राइस को देखोगे वही वही चेहरा याद आएगा। मैंने बहुत देखा है कि मेरे मामा आंध्रा में ही रहता है तो मुझे बहुत आदत है सब चीजों की। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड जो है बेटा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स की जो डिमांड है, ये डिमांड उसके डेमोग्राफी पे, उसकी ज्योग्राफिकल एरिया पे भी डिपेंड करती है। हमारे यहाँ उतना राइस का डिमांड है क्या? नहीं, हमारे यहाँ पूरे ज्यादा खाने में इंटरेस्टेड है लोग, राइट। नाउ फैक्टर्स, नाउ दिस आर ऑल द फैक्टर्स, नाउ दिस आर द थ्री फैक्टर्स, यस दिस आर द थ्री मेन फैक्टर्स विच इफेक्ट द डिमांड, दिस आर द थ्री मेन फैक्टर्स विच इफेक्ट द डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स, जिनका इस्तेमाल हम लंबे दौर के लिए करने वाले हैं, जिसमें पहला है सोशल स्टेटस एंड प्रेस्टीज वैल्यू, सोने के गहने जिसका इस्तेमाल हम लंबे दौर के लिए करने वाले हैं, जिसमें प्रेस्टीज वैल्यू है, राइट, जिसमें स्टेटस सिंबल है, क्या वो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड को इफेक्ट करता है? यस सर, नो, वी बाय मोस्ट ऑफ द ड्यूरेबल गुड्स विच कैरी स्टेटस सिंबल। सोना ले लेते हैं हम, महंगा है फिर भी लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये एक ड्यूरेबल गुड्स है, इसका इस्तेमाल हम लंबे दौर के लिए करने वाले हैं। तो सोशल स्टेटस एंड प्रेस्टीज लेवल के हिसाब से हम बहुत बार ड्यूरेबल गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने बाइक ली, प्रेस्टीज सिंबल, सोशल स्टेटस, बट आई बॉट दिस बाइक फॉर सच अ ह्यूज अमाउंट, नॉट बाइंग अदर बाइक फॉर लो प्राइस, बिकॉज इट कैरीड द स्टेटस सिंबल, इट्स अ कंज्यूमर गुड्स विच आई विल बी यूजिंग ओवर द ईयर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स विच आई विल बी यूजिंग ओवर अ पीरियड, यस और नो, राइट। नेक्स्ट, लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम ज्यादा रहेगा तो ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, गाड़ी की, कार की डिमांड ज्यादा होगी, और वही इनकम कम होगा तो डिमांड कम होगी, यस और नो, हाँ या ना। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज, availability of facilities, specific facilities are required for usage of durable consumer goods. मैं परभणी में नहीं रहकर ग्रामीण के कोई क्षेत्र में रहता हूं, लेट्स से ब्राह्मण गांव में रहता हूं, वहां सेटल्ड हूं, availability of facility का मुद्दा है। consumer goods का इस्तेमाल हम लंबे दौर के लिए करते हैं, और गांव में 24 घंटे में से 16 घंटे लोड शेडिंग रहती है, रहती है ना बेटा, इसनो सर नो गणेश, गांव में हो किरण, गांव में दिन में से आधा दिन तो लोड शेडिंग होती है, ये तो बट अज्यूम 12 घंटे तो होना ही है कम से कम। अब 12 घंटे लोड शेडिंग रहने वाली है, 12 घंटे लोड शेडिंग रहने वाली है, उसमें भी समर में हमकास दिन में ही लोड शेडिंग रहेगी, उसमें समर में तो हमकास परवनी में दिन में लोड शेडिंग है, तो गांव में तो फिर क्या, दिन में ही दिन भर लोड शेडिंग रहनी है। अब मुझे मालूम है अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेरे गांव में दिन में 12 घंटे नहीं है, तो समर में क्या ये एसी में मेरे गांव में लगाऊंगा? क्यों? क्योंकि एसी चलाने के लिए क्या लगता है बेटा? बिजली, बिजली बिजली तो है नहीं, बिजली तो है नहीं, वो कौन सा गाना था? अरे हाँ, जब जब बिजली से याद है, हमारे हम जब कॉलेज में था, गाना था वो हमारी कौन सी, अभी वो कक्कर कक्कर क्या, नेहा, हाँ, उसकी बड़ी बहन है सोनू कक्कर, उसका एक गाना बहुत हिट हुआ था उस वक्त हम कॉलेज में, तो वो बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ, बिजली खड़ी हो। तो गांव में बेटा बिजली नहीं है, ये इसी लगा के क्या करूं, दिखाने को है पर लगाने को नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकता, राइट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी नहीं होने की वजह से क्या मैं ये कंज्यूमर गुड्स की, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड करूंगा क्या? नहीं करूंगा। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस बाय मैनी, मोबाइल फोन, टू व्हीलर,
फिर उसके बाद स्नैप, स्ट्रीक, इंस्टाग्राम, स्टोरी, रील्स, बराबर। तो ये सब चीजें जरूरी है, ये सब चीजें जरूरी है। मोबाइल जरूरी है, गाड़ी जरूरी है, क्यों? इन्फ्लुएंस बाय मेनी। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट डिमांड। मैंने कोई ये पुराना मेरा ये डब्बा लैपटॉप गरीब का बहुत खराब हो गया है, कलर जाने लगा है, हैंग मारने लगा है, तो ऐसे सिचुएशन में आई गॉट टू रिप्लेस दिस ओल्ड एसेट विद अ न्यू एसेट। द डिमांड फॉर द कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड और न्यू लैपटॉप विल बी ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड वन विद अ न्यू वन, राइट। नेक्स्ट, प्राइस। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जो ज्यादा दौर के लिए इस्तेमाल होंगे, बट अब उनके दाम भी ज्यादा ही रहते हैं। कोई भी कंज्यूमर गुड्स जो ओवर द ईयर बेनिफिट देने वाला है, क्या उसके प्राइसेस कम होते हैं? क्या नहीं, नॉर्मली उसके प्राइसेस ज्यादा होते हैं। और ऐसी चीज के और प्राइस बढ़ गए तो उसके डिमांड में इंपैक्ट होगा क्या? यस। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड जो लंबे दौर के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका नॉर्मली प्राइस ज्यादा होता है, और ज्यादा प्राइस के बाद और उसके अगर प्राइस में बढ़ोतरी होती है तो उसकी डिमांड कम होती है। नेक्स्ट, क्रेडिट फैसिलिटीज। अगला पॉइंट क्या है? क्रेडिट फैसिलिटीज। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज हैव लेड टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज हैव लेड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। मैंने एग्जाम्पल बताया, मोबाइल पे ईएमआई, एसी पे ईएमआई, कपड़ों पे ईएमआई, हर चीज पे ईएमआई बेटा। तो डिमांड इसकी वजह से ड्यूरेबल हो नॉन ड्यूरेबल हो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। नाउ दिस इंक्रीज इन डिमांड इज अफेक्टेड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। अभी ओके, अभी ओके, अभी ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट हेडिंग ऑफ डिस्कशन, दैट इज मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। अब आते हैं हम हमारे लास्ट सेट, अंतिम सेट ऑफ डिस्कशन, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग, और दैट टू बी मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। मैंने नोट्स में बहुत डिटेल में दिया है, इतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं क्योंकि ये एग्जामिनर का हॉट टॉपिक नहीं है। इसके अंदर थ्योरी दी है मॉड्यूल में, उतनी ही थ्योरी देखो, उसे रेफर करो, उसे पढ़ो, उसके हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना लो। इतना ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। जो जो चीज एक्सक्लूड करनी है मैं बोल दूंगा, उसका ही आप शॉर्ट फॉर्मेट उसमें लिख देना, ठीक है। नाउ मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। अब हमें समझ गया है कि डिमांड को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, हमें यह समझ गया है कि डिमांड फोरकास्टिंग क्यों जरूरी है। अब हमें यह समझना है कि डिमांड को फोरकास्ट कैसे करते हैं। वी अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, बट वी आर येट टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी फोरकास्ट डिमांड। मुझे यह समझ गया है कि डिमांड फोरकास्टिंग अगर मैं करता हूं तो मेरे बिजनेस में उसका बहुत सा इंपॉर्टेंस और बहुत सा यूज मैं कर सकता हूं। लेकिन यह समझने के बाद मुझे अगली चीज जो समझनी है, दैट इज रिगार्डिंग फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। हाउ डू आई फोरकास्ट माई डिमांड, डिमांड फोरकास्टिंग, राइट। जिस तरह से वेदर डिपार्टमेंट वेदर का फोरकास्ट करते हैं, वैसे ही बिजनेस अपने डिमांड का, मार्केट में अपने प्रोडक्ट के डिमांड का फोरकास्टिंग करती है। यह फोरकास्टिंग अलग अलग मेथड के द्वारा की जाती है, जिसमें सर्वे मेथड आते हैं और स्टैटिस्टिकल मेथड आते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड में ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, ग्राफिकल मेथड, फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन मेथड और रिग्रेशन एनालिसिस आते हैं। सर्वे मेथड में भी अलग अलग टाइप है, जिसमें पहला पॉइंट है सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, द बायर और द कंज्यूमर। इफ आई डू द सर्वे, लेट्स से आई वांट टू प्रोड्यूस डिटर्जेंट, मुझे क्या प्रोड्यूस करना है? डिटर्जेंट। अभी डिटर्जेंट कौन सा है? घड़ी डिटर्जेंट, घड़ी डिटर्जेंट। तो अपन कौन सा डिटर्जेंट बनाने का बेटा, कौन सा बनाने का? अब घड़ी डिटर्जेंट है तो अपन कौन सा डिटर्जेंट बनाएंगे? बोलो नाम, बोलो कुछ। अच्छा ठीक है, शाने डिटर्जेंट। अब घड़ी डिटर्जेंट को देखते हैं, शाने ने सोचा कि नहीं, दुरुस्त सोचा कि मैं भी अपना डिटर्जेंट बनाऊंगा, मेरे प्रोडक्ट का नाम दूंगा शाहानी डिटर्जेंट, राइट। सो शाहानी डिटर्जेंट उसे बनाना है, और ये डिटर्जेंट जो उसे मार्केट में, शाहानी को अपने प्रोडक्शन प्लान में डिटर्जेंट बनाना है,
और इस डिटर्जेंट को मार्केट में बेचना है। ऑलरेडी मार्केट में बहुत से डिटर्जेंट कंपनी कम्पीट कर रहे हैं, उस बीच में इसका डिटर्जेंट कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा उसकी उसकी गारंटी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में वो प्रोडक्शन की रिस्क लेना चाहिए या सबसे पहले सब जो बायर है उनके इंटेंशन समझ लेना चाहिए। बेहतर है कि डिमांड फोरकास्टिंग करें। डिमांड फोरकास्टिंग करने के अलग अलग तरीके हैं। उस तरीके में एक इफेक्टिव तरीका है सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, जहां पर ये क्या करेगा, हर एरिया में से सैंपल वाइज हर एक घर में बायर के पास अपना प्रोडक्ट ले जाकर दिखाएगा, उसको सारे अपने चीजें बताएगा और उसको पूछेगा ये सब चीजें जानने के बाद क्या आप हमारा प्रोडक्ट बाय करने में इंटरेस्टेड हो। तो ऐसे लेट से परवरी में 10,000 लोगों को ये मिलते हैं और 10,000 लोगों से रिव्यू लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, और इसके हिसाब से समझ में आता है कि 9,000 लोगों का कहना है कि यस हम आपका डिटर्जेंट थोड़ा डिफरेंट है, अच्छा है, प्राइस भी कम है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो हम आपका डिटर्जेंट लेने के लिए तैयार है। तो ये जो सर्वे हुआ है, ये जो डिमांड की फोरकास्टिंग हुई है, क्या इसके बेसिस पे ये अपना डिटर्जेंट का प्लान शुरू कर सकता है? यस और नो? यस। कैन यू गो आफ्टर द प्रोडक्शन? यस, बिकॉज ही हैज फोरकास्टेड द डिमांड ऑन द ग्रास रूट और ग्राउंड लेवल बाय गोइंग टू द कंज्यूमर। ही हैज मेड अ सर्वे, ही हैज मेड अ सर्वे ऑफ ऑल द कंज्यूमर, जहां पे वो कंज्यूमर को खुद इन पर्सनल जाकर मिले और उनसे पूरा रिव्यू लिया, उनके फीडबैक के हिसाब से फिर डिमांड को फोरकास्ट किया और फिर प्रोडक्शन को शुरुआत की। बात समझ में आ रही है? इस मेथड में जब हम डायरेक्टली बायर को जाके पूछेंगे कि आपको हमारी कमोडिटी पसंद है नहीं पसंद है, कि आप हमारी चीज खरीदना चाहोगे नहीं खरीदना चाहोगे, क्या आप हमारी कमोडिटी की डिमांड करना चाहोगे कि नहीं डिमांड करना चाहोगे, उनको पूछ कर जब हम हमारी डिमांड की फोरकास्टिंग करते हैं कि इतने लोगों का कहना है तो बड़े इतने और लोग हमारे प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, ये जो फोरकास्टिंग कर रहे हैं, दिस फोरकास्टिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। और अब सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन में भी तीन तरीके हैं। सबसे पहले है कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड में ये जो डिटर्जेंट प्रोड्यूस करना है, जिसका निर्णय लेना है, जिसका सर्वे करना है, उसका हमने हर घर जाकर सर्वे किया। परभनी का एक भी घर नहीं छोड़ा, छोटे से छोटी झोपड़ी, बड़े से बड़े बंगला, हर घर में जाकर पूछा हमारा डिटर्जेंट खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। तो ये क्या हुआ बेटा मेरा, कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड, जहां पे मैंने हर सिंगल बायर से सर्वे किया है, हर सिंगल बायर से रिव्यू लिया है, हर सिंगल बायर की इंटेंशन समझी है। सो दिट इज कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। मैंने मुंडे के 100 लोग, कल्याण नगर के 100 लोग, प्रसाद नगर के 100 लोग, जिंतू रोड के 100 लोग, फिर बैंक कॉलोनी के 100 लोग, वसमत रोड के 100 लोग, रामकृष्ण नगर के 100 लोग, काली कमान के 100 लोग, ऐसे हर एरिया में से 100 100 घरों में से रिव्यू लिया है। इज इट अ कंप्लीट एन्यूमरेशन? Have I covered each and every household? Or am I doing the survey on the basis of samples? I am doing the survey on the basis of sample. तो इसे हम कहते हैं sample survey method. क्या बोलते बेटा इसको? Sample survey method. Next है end use method. End use method थोड़ा पहले वाले product से अलग है। End use method existing product और existing company के लिए काम में आता है। लेट से जियो कंपनी है, उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, वो और कुछ जियो का ब्रॉडबैंड या और कुछ नया लाना चाहते हैं और वो भी उनके कस्टमर के लिए लाना चाहते हैं। नए कस्टमर को पूछने से अच्छा जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको फोन लगा के पूछ लो हम ऐसा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, क्या आप हमारा प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है? यस और नो? राइट। कोई कंपनी को ऑलरेडी प्रोडक्ट बेच रही है, वो और कोई नया प्रोडक्ट प्लान करना चाह रही है, जहाँ पे वो बायर का इंटेंशन लेना चाहते हैं, अगर वो फोन लगा के पूछे कि भाई एक काम करो, आप ऑलरेडी हमारे ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप और हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हो कि नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो, दैट इज एंड यूज मेथड। जहां हम एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही रिव्यू ले रहे हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर का ही सर्वे कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे एंड यूज मेथड। लेट से इनका डिटर्जेंट प्लान चालू है, ये बेच रहे हैं, मार्केट में 10,000 लोग ले रहे हैं, उन्हीं 10,000 लोगों को फिर से पूछा जा रहा है हम और अभी इसमें टिकिया लाने वाले हैं, इसमें और साबुन सोप लाने वाले हैं, क्या आप वो लेने में इंटरेस्टेड हो? नाउ दिस इज एंड यूज मेथड। Is it complete enumeration method? No. Is it sample method? No. We are asking to the existing consumers. We are asking to existing customers. तो इसको क्या बोलते हैं अपन बेटा? End use method. अभी okay? अभी okay? Now let's try to understand what are the limitations of this method. इस method के limitations या मर्यादा क्या है? First, burden of forecasting is on consumers. हम किसके मन पे हैं? Consumer के मन पे हैं। कभी-कभार कोई रिव्यू लेने आता है, कोई इंफॉर्मेशन लेने आता है, राइट। गरीब आदमी के बीवी के साथ कोई बातचीत के ऊपर अनबन हुई रहती, उसका गुस्सा इधर निकल जाता है, वहां तो गुस्सा निकलता है नहीं,
तो गरीब आदमी जो लेने आता रिव्यू उसके ऊपर ठिकरा फूट जाता है, सब डिटर्जेंट लोग, अरे जा नहीं लेंगे। तो बर्डन इज ऑन कंज्यूमर, कभी कभार वो कंज्यूमर मूड में नहीं रहता है, अपने ही धुन में रहता है, उसको अलग कोई टेंशन है, वो टेंशन टेंशन में कुछ बोल देता है, वो इतना थोड़ी सोचता है कि फोरकास्टिंग करेगा, फिर वो प्रोडक्शन करेगा, उसका नुकसान हो जाएगा, तो मुझे सोच समझ के जवाब देना चाहिए। आधे लोगों को तो कोई पूछताछ करना है उसको बाहर से बताते ना, हम चाहिए तो कौन ही नहीं जा, जैसे ये लगता है कोई पूछताछ के तो इनकम टैक्स ही रेडिश करेगा हमारे घर पे। इंडिया में बाबा लोग बहुत खतरनाक है यहाँ पे, है ना, राइट। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ फोरकास्टिंग इज ऑन द कस्टमर। अगर हम हर चीज कस्टमर को ही पूछ के करें, और मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी नया प्रोडक्ट लाए, कस्टमर जो टेक्नोलॉजी देखी ही नहीं, तो कस्टमर क्या बोलेगा, ये टेक्नोलॉजी नहीं चलेगी। हालांकि वो टेक्नोलॉजी लॉन्च करने के बाद समझ में आया कि टेक्नोलॉजी कितनी चलेगी, क्योंकि जब नोकिया का और सैमसंग का दौर चल रहा था, सर नोकिया का दौर चल रहा था, एक ऐसा दौर था जब मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड नोकिया के फोन की थी, 95% ऑफ द डिमांड और मोबाइल मार्केट वॉज कैप्चर्ड अलोन बाय नोकिया कंपनी। उस दौर में अगर एंड्रॉइड फोन लाते जो कभी किसी ने टेक्नोलॉजी देखी नहीं, आधे लोग क्या बोलते, ये नहीं चलता, हमारे पास नोकिया चलता है। तो फिर बायर इंटरेस्ट का बर्डन किसके ऊपर होता, कस्टमर के ऊपर होता। कस्टमर क्या बोलता, ये टेक्नोलॉजी नहीं चलती बाबा। लेकिन जो टेक्नोलॉजी देखी नहीं उसका रिव्यू कैसे देगा कस्टमर, सही से नहीं दे पाएगा। अगर वो सोच के सैमसंग अगर पीछे रह जाता तो आज पीछे रह जाता, लेकिन उस वक्त उन्होंने उनको ये लगा कि बायर का इंटेंशन या बायर का रिव्यू लेने से अच्छा हमें हमारे टेक्नोलॉजी पे कॉन्फिडेंट है, हम प्रोडक्शन के साथ आगे जाएंगे। उन्होंने एंड्रॉइड लेकर आया, एंड्रॉइड लाते ही एक दौर का एक वक्त का नोकिया जो मार्केट लीडर था, जिसके पास 95% शेयर था मार्केट का, वो बंद हो गया, अल्टीमेटली बिक गया। तो अगर सैमसंग कंपनी पूछता कस्टमर को या एंड्रॉइड खरीदेंगे क्या, कस्टमर बोलते नहीं नहीं ये नया है, कुछ तो भी अलग ही दिख रहा है, नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सबके दिमाग में क्या भरा है, नोकिया भरा है, राइट। तो सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन में जहां पे कंज्यूमर के ऊपर पूरा बर्डन है, क्या सही रिव्यू आएगा नहीं, तो सोच समझ के हमें मेथड सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, नॉट 100% रिलायबल। जैसे मेरे जैसा परेशान व्यक्ति कुछ बोल देता है, कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, कोई इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं, कोई जानबूझ के झूठ भी बोल देता है कि हाँ लूंगा बाद में जब लेके जाओ, नहीं नहीं मित्र उगस मन ला आता ना कैसे मला, ऐसे भी होते हैं ना, उगा उगा है ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तो फिर ये क्या है बेटा, 100% रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, यूजफुली ओनली फॉर बल्क सेल। अब मेरे को, अब मान लो इनको प्रोडक्शन करना है 100 डिटर्जेंट पाउडर का, इनके पास छोटा मोटा प्लांट है जिनमें प्रोडक्शन इनके इसमें 100 पैकेट का होता है, मार्केट में डिमांड 1,00,000 पैकेट की है, तो ये 100 पैकेट तो बनाने वाले, तो किधर भी बिकने वाले हैं, तो उसके लिए बायर का इंटेंशन निकालना, गांव पर फिरना, इतना हमारे डिटर्जेंट लेंगे जरूरी है क्या, नहीं। जब इनका प्रोडक्शन इस लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट के लिए सप्लाई पूर सके, तो उसके लिए बायर का इंटेंशन करना समझ में आता है। आपका प्रोडक्शन इतना है कि मोंडे के हमारे गली में भी नहीं बसा रहा था, और उसके लिए तुम बोलोगे हम बायर इंटेंशन पूरे गांव में पूछेंगे तो समझ में आएगा क्या, नहीं। सो इट इज ओनली डन फॉर लार्ज स्केल। नेक्स्ट, कैन बी अप्लाइड ओनली टू प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के लिए नॉर्मली इसको अप्लाई नहीं करते, मैक्सिमम सिनेरियो में हम प्रोड्यूसर गुड्स को इसे अप्लाई करते हैं। व्हाट आर प्रोड्यूसर गुड्स विच आर अप्लाइड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, राइट। नेक्स्ट, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। वक्त बहुत जाएगा, हर किसी के पास जाओ, उसे अप्रोच करो, उसे पूछताछ करो, वापस डेटा काढ़ो, फिर निकालो, फिर फोरकास्ट करो, तो इसमें टाइम ज्यादा जाता है, टाइम भी ज्यादा जाता है और पैसा भी ज्यादा लगता है। फोरकास्ट यूजफुल ओनली इन शॉर्ट टर्म, और ये जो है ये शॉर्ट रन में इस्तेमाल है, इस फोरकास्ट को आप लॉन्ग रन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लो ये मेरे पास आए थे डिटर्जेंट लेंगे क्या, मैंने कहा लेंगे, 3 महीने बाद प्रोडक्शन करके मेरे पास आया, बोले डिटर्जेंट लो ना, आपने बोला लेंगे, मैंने कहा नहीं लेने का, बोले क्यों, बोले मेरी मर्जी, अब मेरा मन नहीं, तब मेरा मन था, अब मेरी मन नहीं है, हो मन मन की बात है, हो सही है ना। सो ये फोरकास्ट को हम ज्यादा दौर के लिए, क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट बदलता रहता है, आज मुझे डिटर्जेंट पसंद, कल मुझे डिटर्जेंट नहीं पसंद रहेगा, मेरी मर्जी है भाई, है ना, सही बात है नहीं है। तो ये जो फोरकास्ट है इसका इस्तेमाल हम शॉर्ट रन के लिए कर सकते हैं, क्योंकि बदलते दौर के साथ कंज्यूमर का टेस्ट बदलता है, और टेस्ट बदलते उसकी डिमांड बदल जाएगी। नेक्स्ट, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। अब कलेक्टिव ओपिनियन मेथड पहले वाले मेथड से थोड़ा सा अलग है। अब इस वाले मेथड के अंदर हम डोर टू डोर कस्टमर के पास नहीं जा रहे, कंपनी का कौन सा व्यक्ति डोर टू डोर हर कस्टमर तक जुड़ा होता है, हमारी सेल्स टीम,
कोई भी कंपनी में जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है वो हर कस्टमर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। वो ऐसा व्यक्ति होता है पूरे कंपनी के अंदर जो कस्टमर की नस नस पहचानता है। नस नस पहचानता है मतलब हाथ लगा के नहीं देख रहा, नस नस बोलने का मतलब उनकी भावनाएं क्या है, उनके डिमांड क्या है, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, यह हर चीज पता होती है। अब हमारा एग्जाम्पल नीचे ये जियो है। अब जियो कंपनी कितनी बड़ी है, उसका अगर कंज्यूमर सर्वे मेथड लिया, उसमें सैंपल भी ले तो कहां कहां से, कितने कितने राज्यों से, कितने शहरों से कितने सैंपल लेने पड़ेंगे, परवड़ने वाला काम है क्या वो? नहीं। लेकिन ये इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सिस्टमेटिक काम होता है, जहां पे पूरे परवानी का ऑफिस यहाँ पे नीचे है, इन डिपार्टमेंट के अंदर, इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर बट ऑब्वियस नीचे एक ऑफिस रहेगा सेल्स डिपार्टमेंट का। उस सेल्स डिपार्टमेंट को मालूम है कि पूरे परवानी में क्या चलता है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि पूरे परभनी में क्या चलता है, ये इसे मालूम है। इसके ऊपर एक रीजनल बॉस रहेगा जो पूरे मराठवाड़ा का हैंडलिंग करता है, उसे मालूम है कि पूरे मराठवाड़ा में क्या चलता है, क्या डिमांड होता है, क्या फोरकास्टिंग होता है। उस रीजनल के ऊपर होता है स्टेट का बॉस, जिसे मालूम है कि उसके महाराष्ट्र स्टेट में क्या चलने वाला है। और बाद में सेल्स टीम का जो मेन हेड होगा वो पूरा हेड होगा, पूरे इंडिया का हेड होगा, राइट। अब मुझे बोलो, दर बदर हर कस्टमर के पास फिरने से अच्छा है जो सेल्स वाले मेन व्यक्ति है जिनको हर चीज पता है सेल्स टीम का, राइट, फ्रॉम द टॉप लेवल टू स्टेट लेवल टू रीजनल लेवल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। इतने लोगों को अगर सब लोगों को साथ में बैठा लिया और इनको बोला कि हम नया प्रोडक्ट जियो में लाना चाहते हैं, क्या लगता है चलेगा नहीं चलेगा? इन सभी लोगों को ऑलरेडी कस्टमर की नस नस मालूम है, डिमांड किस तरह से जाएगा ये मालूम है, इनकी ओपिनियन क्या मायने रख सकती है? यस। क्या हम इनके ओपिनियन के बेसिस पे हमारा डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं? यस, क्योंकि ये बेचते हैं नीचे ग्राउंड लेवल पर, तो इनको मालूम है। सेल्स वाले व्यक्ति, सेल्समैन हमारा नीचे कस्टमर तक डोर तक जाके चीज बेचता है, तो उसको मालूम है अपनी कंपनी की कौन सी चीज मार्केट में चलेगी या कौन सी चीज मार्केट में नहीं चलेगी। तो कलेक्टिव ओपिनियन मेथड के अंदर हमारे सेल्स टीम में जितने व्यक्ति सेल्समैन होते हैं जो सेल करते हैं, उनका हम ओपिनियन लेते हैं और सभी कलेक्टिव ओपिनियन को एक साथ जोड़ते हैं। लेट से रिलायंस की जियो कंपनी में 100 पूरे इंडिया के मिलाकर 100 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। उन सभी 100 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ऑफिस में बुलाएंगे, नए प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे आपका ओपिनियन दे दो। सभी लोग अपना ओपिनियन देंगे। इन सभी ओपिनियन के अंदर एक जन कोई तो अपनी बीवी से गालियां खा के आया रहेगा, उसका ऐसे भी काम में ध्यान नहीं, वैसे भी काम में ध्यान नहीं, वो कुछ तो भी लिख देता है। सब लोग लिख रहे हैं कि हमारे इस कमोडिटी के हमारे रीजन में 10,000 डिमांड होगी। तो सभी लोग जो ओपिनियन दे रहे हैं और डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं, कोई लिख रहा है 10,000, कोई लिख रहा है 6,000 7,000, लेकिन जो भी आंकड़े कोई दे रहा है वो 5,000 से 10,000 के बीच में। और जिस व्यक्ति का दिमाग खराब है, जो बीवी से झगड़ के आया, बीवी की मार खाकर आया, वो लिख दिया 2,00,000 डिमांड होगी। सो व्हाट एवर डिमांड इज गिविंग, इज इट वेग और इट इज करेक्ट? इट इज वेग। सो दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। कलेक्टिव ओपिनियन में जितने भी सेल्स वाले होते हैं उन सभी की ओपिनियन कंसिडर की जाती, उन सभी से डेटा लिया जाता है। सभी डेटा लेने के बाद उस डेटा को वेरीफाई किया जाता है, क्या इसमें से किसी ने कोई गलत तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, कोई वेक तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, कुछ देना बोल के दे तो नहीं दिया। जैसे अगर वो देखते हैं तो समझ में आता है 99 लोग क्या बोल रहे हैं, 5,000 से 10,000 के बीच में डिमांड होगी, और वो अकेला क्या लिख रहा है 2,00,000 डिमांड होगी। तो बड़े बस क्या है, ये गधे ने कुछ तो गलत लिखा, तो उसका हम डेटा निगलेक्ट करेंगे, बाकी 99 लोगों ने जो डेटा दिया है उसके बेसिस पे हमारी डिमांड की फोरकास्टिंग करेंगे। दिस फोरकास्टिंग डन ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव ओपिनियन ऑन द सेल्स टीम इज कॉल्ड एज कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। वही दिया, देखो स्टेप्स के अंदर अलग अलग टीम को बुलाओ, हर किसी से डेटा लो, फिर उसको वेरीफाई करो, उसमें जो वेग है उसको हटाओ, और फिर बाद में अपना फाइनल कंक्लूजन डिमांड फोरकास्टिंग करो। इज इट ओके? नाउ एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, ये कलेक्टिव ओपिनियन से भी एक कदम आगे है, कलेक्टिव ओपिनियन से भी एक कदम आगे है। लेट से मैं अपना निर्णय लेना चाहता हूं, जहां पर मैं कॉमर्स का एक सेपरेट कॉलेज बनाना चाहता हूं। अब मेरे पास कोई सेल नहीं है, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, और मैं डोर टू डोर जाके हर किसी को नहीं पूछ सकता कि तुम कॉमर्स लोगे क्या, लोगे तो मैंने कॉलेज बनाना चाहिए क्या, वो भी पॉसिबल नहीं। सो आई नीड अ एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, आई कैन अडॉप्ट एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। एक्सपर्ट ओपिनियन में 10 साल से ज्यादा अनुभव रखने वाले कॉमर्स के शिक्षकों का पूरा ग्रुप लाऊंगा, उन सभी एक्सपर्ट्स जैसे पंकज सर है, सुजीत सर है, इन्होंने कॉमर्स में 2 डिकेड से ज्यादा पढ़ा है, तो वो एक्सपर्ट माने जाएंगे इस फील्ड में और मुझे इस निर्णय में हेल्प करने के लिए। तो ऐसे जो भी एक्सपर्ट कॉमर्स के
पांच दस लोग, सबसे अनुभवी लोग, उन पांच दस लोगों को मैं लाकर बैठाऊंगा और मैं अपना पूरा जो कुछ भी प्लानिंग है उन्हें बताऊंगा। अपने सालों के अनुभव के बेसिस पे क्या वो सही ओपिनियन मुझे दे पाएंगे? यस। जैसे अभी हम क्लास चला रहे हैं, अनडाउटेडली मैं लीड करता हूँ, मैं मैनेज करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पंकज से सुजीत सर का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो जो मुझे शेयर करते हैं, जो मुझे बताते हैं, जो उनकी ओपिनियंस है, वो कहीं ना कहीं मुझे फायदेमंद होती है, उस हिसाब से मैं आगे निर्णय ले पाता हूँ। हाँ या ना? यस और नो? राइट। सेम अप्लाइज हेयर। ना एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड के अंदर हम एक्सपर्ट को अपॉइंट कर रहे हैं, हर एक्सपर्ट जो है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर रहे हैं, हर एक्सपर्ट जो है अपने अपने ओपिनियन दे रहा है। उन एक्सपर्ट में भी कोई बीवी की गालियां खा के पिटाई करके आया रहता, वो कुछ तो अलग बोलता था। ऐसे एक्सपर्ट के ओपिनियन हम बाजू में निकालते हैं, फिर बाद में जितने भी लोगों की ओपिनियन सही है, मैच करती है, उन सभी की ओपिनियन को हम ज्वाइन करके हमारे डिमांड की फोरकास्टिंग करते हैं। इसे हम कहते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। क्या बोलते बेटा इसको? एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। अब स्टैटिस्टिकल मेथड। सर वेर कुछ नहीं, यस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ डिस्कशन, दैट इज स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। यू ऑल नो 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट टू, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स फील्ड? स्टैटिस्टिक्स फील्ड इज यूज फॉर प्रोजेक्शन और फोरकास्टिंग, है कि नहीं है? किसी भी डेटा को, किसी भी गिवन डेटा को सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट करने के लिए जो फील्ड में अलग अलग तौर, अलग अलग तरीके हम सीखते हैं, तो वो है स्टैटिस्टिक। डिमांड फोरकास्टिंग डेटा का ही करना है, कमोडिटी का करना है, तो हर कमोडिटी जिसकी डिमांड फोरकास्टिंग करनी है उसका कुछ ना कुछ डेटा होगा। उस डेटा को सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट करना अगर आपको है, तो आपको एक डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो डिपार्टमेंट है स्टैटिस्टिक, वो डिपार्टमेंट है स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स मेथड में पहला मेथड आता है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, जो कि क्लासिकल मेथड माना जाता है। ज्यादा डिटेल में एक एक लाइन में नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ जो ओवरऑल मेथड है वो समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। बाकी आप जब लिखोगे तो लिखते वक्त आप ये सारी चीजें लिख देना और उसमें पढ़ लेना। इसमें जो जो चीजें एक्सक्लूड करनी है मैं आपको लिखते वक्त ही बता दूंगा। ये सारी चीजें लिखनी है आप डिटेल में लिख लीजिएगा। सो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। ट्रेंड का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय ट्रेंड? जो चल रहा है, जो चलते आया है, जो चल रहा है, जो चलते आया है, वो है ट्रेंड। ट्रेंड क्या बता रहा है? ट्रेंड क्या बता रहा है? अभी बादशाह चल रहा है, बादशाह चलते आया है, बादशाह। सैटरडे सैटरडे है ना? ओ डीजे वाले बाबू मेरा, डीजे वाले बाबू मेरा, डीजे वाले बाबू मेरा, अरे डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। तो ट्रेंड ये बताता है कि बादशाह चल रहा है, तो जैसे जैसे दौर चल रहा है वैसे वैसे बादशाह के गाने चल रहे हैं। सो द ट्रेंड शोज दैट बादशाह सॉन्ग आर फाइंडिंग पॉपुलैरिटी अमंग द यूथ। ट्रेंड एमए में बनता है। आया कब से आया? मूवी से आया। कौन सा मूवी था वो अपना रणवीर सिंह का? अभी गली बॉय। गली बॉय से रैप कल्चर थोड़ा फेमस हुआ, रैप धीरे धीरे लोग सुनने लगे, फिर एमएमए की ओर के सॉन्ग थोड़े धीरे धीरे पॉपुलराइज, यार रैप वाले जितने भी लोग हैं इनके सॉन्ग थोड़े पॉपुलराइज होने लगे, राइट। तो कोई चीज का ट्रेंड बनता है और ट्रेंड ओवर द पीरियड का होता है, राइट। सो हर कंपनी, हर बिजनेस जब काम करता है वो एक ओवर द पीरियड काम करता है। जैसे कि किसी की आइसक्रीम की फैक्ट्री है जो पिछले 3 साल से चल रही है, 3 साल से जो आइसक्रीम की फैक्ट्री है, इसमें यह समझते आता है कि 2017 वाले साल में, 2017 वाले साल में बेटा, 2017 में 5000 लीटर आइसक्रीम का सेल हुआ है, 2018 में 7000 आइसक्रीम का सेल हुआ है, 7000 लीटर, 2019 में 9000, 2020 में 12000। सो ये सभी सालों का सभी डेटा और सभी सालों के डेटा का अगर मैं ट्रेंड देखूं, तो ट्रेंड क्या दर्शाता है बेटा? कि डिमांड फोरकास्टिंग में 100% इंक्रीज इन डिमांड है।
साल दर साल मेरे कमोडिटी की मार्केट में डिमांड बढ़ी है, कम हुई है क्या? नहीं हुई। तो ट्रेंड ये बतलाता है, ट्रेंड ये बताता है कि आने वाले 2021 का ट्रेंड क्या होगा, क्या होगा? बट ऑब्वियस डिमांड बढ़ेगी, कम होगी क्या? नहीं। अब तक के ट्रेंड में 4 सालों में कभी डिमांड कम नहीं हुई, तो अब क्यों होगी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज वॉट इज शोड बाई द ट्रेंड। द ट्रेंड इन द सेल शोज दैट देर विल बी फर्दर इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ आइसक्रीम्स। दिस इज नथिंग बट ट्रेंड मेथड, जहां पे पास डेटा के आधार पे हम आगे का ट्रेंड प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल और बहुत आसान है, जहां पे पास डेटा के आधार पे हम आगे का ट्रेंड देख सकते हैं। जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड रहा है, जो जिस हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है, उसके बेसिस पे हम आगे जो है प्रोडक्ट का जो है फोरकास्टिंग कर रहे हैं। लेकिन बेटा, ये ट्रेंड मेथड जो है, क्या एक ऐसे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है? क्या ये ट्रेंड मेथड क्या ऐसे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है जो नया है? नया मेथड, नए बिजनेस का कोई ट्रेंड ही नहीं है, उनका कोई प्रोजेक्शन ही नहीं, उनका कोई पास रिकॉर्ड ही नहीं है, तो आगे का प्रोजेक्शन वो नहीं कर सकते। जैसे आइसक्रीम का बिजनेस 4 साल से है, 4 साल के अनुभव से हम 5वें साल का अपने आप जो है प्रोजेक्शन कर सकते हैं। 4 साल का ट्रेंड बताता है कि 5वें साल में भी डिमांड में बढ़ोतरी होगी। नाउ दिस ट्रेंड प्रोजेक्शन इज पॉसिबल ड्यू टू द रिकॉर्ड्स आई एम हैविंग एज माय कंपनी इज एन एस्टेब्लिश्ड और रनिंग कंपनी। लेकिन नए कंपनी का कोई ट्रेंड नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, तो ऐसे कंपनी के लिए ये मेथड यूजफुल नहीं हो सकता। देयर आर टू पॉपुलर टेक्निक्स बेस्ड ऑन ट्रेंड मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन मेथड। इस ट्रेंड मेथड को दो तरीके से समझा जा सकता है। एक है ग्राफिकल मेथड, जहां पे हम गिवन ट्रेंड को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोजेक्शन करते हैं, और दूसरा है फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन मेथड, जहां पर हम लीनियर इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। जो गिवन डेटा है, उस गिवन डेटा को लीनियर इक्वेशन फॉर्म में इनपुट करते हैं, वो पूरा डेटा उसमें पुट करते हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और जो कुछ भी वैल्यू है उससे हम डिमांड की फोरकास्टिंग करते हैं। जैसे कि पहला है ग्राफिकल मेथड। तो जैसे मैंने बताया, साल दर साल 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, हर साल मेरे कंपनी का सेल बढ़ा है। इसके हिसाब से जो मेरे सेल का ग्राफ बना है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, आया ना? सो ये जो ग्राफिकल मेथड की सबसे जो कर्व बनाई है, सेल कर्व बनाई है बेटा, ये क्या दिखाता है? एक ऐसा ट्रेंड बनाता है जो अपवर्ड है। सो इस ट्रेंड के हिसाब से, इस ग्राफिकल मेथड के ट्रेंड के हिसाब से मैं ये क्या बोल सकता हूं, आने वाले 2005 में भी सेल में बढ़ोतरी होगी? यस और नो? हाँ या ना? यस और नो? एक और ध्यान दे रहे। नेक्स्ट, फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन मेथड। अब फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन के मेथड के अंदर मेरे पास ये 4-5 साल का डेटा है, इन 4-5 साल का सारा सेल है। अब मैं इसको ग्राफ में डाल के कर्व नहीं निकल रहा, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो मैथ्स में आप सीखते हो, उसके अंदर उसका इस्तेमाल करके डेटा को उसमें इनपुट करके वैल्यू को निकालकर फोरकास्टिंग कर रहा हूं। लीस्ट स्क्वायर मेथड के हिसाब से हम एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं और उसे सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट करते हैं। ये मेथड कैलकुलेशन कहीं पर भी है नहीं, तो ये सारा जो पॉइंट है फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन का, ये नीचे का यहां से, ये सारा स्क्रैप करो, इसे कहीं पर भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो न्यूमेरिकल दिए है, ये न्यूमेरिकल ना कहीं एग्जाम में आते हैं, ना इसका कहीं में कोई रेलेवेंस हुआ, तो इतना इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपने ये कहीं ना कहीं देखा होगा, जहां दो इक्वेशन ले रहे हैं हम, एक एक्स इक्वेशन, एक वाई इक्वेशन, फिर उसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको वाई इक्वेशन में डालते हैं, एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डालते हैं, फिर ए और बी की वैल्यू मिलती है, फिर हम प्रोजेक्शन करते हैं। पढ़ते वक्त अगर खाली पढ़ना है, पूरा कैलकुलेशन पढ़ लेना, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, कहीं आता नहीं पूछता नहीं, तो इसमें ज्यादा डिटेल हम जाएंगे नहीं। सिर्फ इतना समझने की कोशिश करो, फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन के द्वारा हम एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं जिसमें पास्ट रिकॉर्ड से पास्ट डेटा हम पुट करते हैं और वैल्यू को, डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिग्रेशन एनालिसिस। मैथ्स में रिग्रेशन एनालिसिस है, रिग्रेशन एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, डेटा की वैल्यू उस रिग्रेशन एनालिसिस पे पुटअप करते हैं और डिमांड को प्रोजेक्ट करते हैं। सो ये जो डिमांड का प्रोजेक्शन है, इट सेम लाइक द फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन। रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हम फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन में जिस तरह से इक्वेशंस का इस्तेमाल करके डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से रिग्रेशन एनालिसिस, फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन, इन दोनों सिचुएशन में अलग अलग मैथ्स के मेथड्स इस्तेमाल करके, जैसे यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम जो डिमांड की है वो फोरकास्टिंग कर रहे हैं। इसमें भी ज्यादा थ्योरी ले लेना, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अभी ये वाला मेथड तो ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड।
कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड इज ऑल्सो नोन एट मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड। अब कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड का मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड कैसा कहेंगे, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट मेथड है जहां पर हम एक्चुअल मार्केट के अंदर, जहां पर हम एक्चुअल मार्केट के हिसाब से सर्वे कर रहे हैं। लेट्स से आईफोन को एक नई सीरीज लॉन्च करना है, आईफोन 13। दे आर नॉट कॉन्फिडेंट वेदर देयर प्रोडक्ट विल रन इन द मार्केट और वेदर देयर प्रोडक्ट विल नॉट रन इन द मार्केट, तब उनको एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करना है। तो फिर इस कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट को हम बोल सकते हैं टेस्ट बेसिस, टेस्टिंग करनी है मार्केट में उसकी, क्या करनी है, एक्चुअल टेस्टिंग करनी है। तो फिर उन्होंने क्या किया, 1000 फोन बनाए। कितने बनाए बेटा, 1000 फोन। आईफोन तो लाखों में बनाते हैं प्रोडक्शन, उन्होंने उसमें से 1000 फोन निकाले आईफोन 13 का, और वो एक एक फोन एक एक गांव में एक एक मार्केट में एक एक कस्टमर को बेचा और उसको बोला कि ये फोन हमने नया बनाया, इसको इस्तेमाल करो। एक्चुअल मार्केट में एक्चुअल प्रोडक्ट एक्चुअल कस्टमर इस्तेमाल करेगा, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद क्या वो उसका रिव्यू परफेक्टली दे पाएगा। तो 1000 प्रोडक्ट का हम एक्चुअल मार्केट में टेस्ट कर रहे हैं, 1000 प्रोडक्ट को एक्चुअल मार्केट में भेज रहे हैं, कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है, यूज करने के बाद ये 1000 कंज्यूमर्स जो यूज करने के बाद उनका अनुभव रहा है उसको शेयर कर रहा है, उसके बाद ओवरऑल मैक्सिमम लोगों का अगर सेटिस्फैक्ट्री जवाब आता है, सेटिस्फैक्ट्री अगर फीडबैक आता है, तो क्या आईफोन फुल फ्लेज प्रोडक्शन कर सकता है, यस और नो, यस और नो, यस। लेट्स से इस आईफोन 13 को मिक्स रिव्यू आ रहे हैं, आधे लोग बोल रहे अच्छा है, आधे लोग बोल रहे अच्छा नहीं है, तो फिर आईफोन को सोचना चाहिएगा प्रोडक्शन करने से पहले, यस उसे सोचना पड़ेगा। तो ये जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, एक्चुअल मार्केट में अपना एक टेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे, कस्टमर को दे रहे बोले ये यूज करो और बताओ ये अच्छा है कि बुरा है, इस तरह के मेथड को हम कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड। डिटर्जेंट वाले बायर सर्वे के अंदर हम उसे पूछताछ कर रहे हैं और बोल रहे हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, ये पसंद आएगा नहीं आएगा ऐसे पूछ रहे, यहां पे हम प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं, ये डिटर्जेंट लो रखो इस्तेमाल करो और फिर हमें बताओ आपको पसंद है कि नहीं है। तो ये क्या हुआ, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड, जहां पे हम हमारा डिटर्जेंट हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली कस्टमर को बोल रहे कि भाई लो पसंद करो इस्तेमाल करो और फिर बताओ अच्छा है नहीं है, आप डिमांड करोगे कि नहीं करोगे। समझ में आ रहा है दोनों के बीच का फर्क, बायर इंटेंशन और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में हम एक्चुअल मार्केट जैसे हमारे प्रोडक्ट को भेजते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं, सभी टेस्टिंग का पूरा रिव्यू लेते हैं और फिर प्रोडक्शन का फोरकास्टिंग कर डिमांड का फोरकास्टिंग करते हैं। नाउ की फीचर्स, रिएक्शन और द रिव्यूज ऑफ द कंज्यूमर्स डीलर्स आर स्टडीड। जो आईफोन 1000 ऊपर से नीचे आया, डीलर देखेगा, कस्टमर देखेगा, वो कुछ बोलेगा, डीलर कुछ बोलेगा, हर किसी का एक्चुअल सही फैक्चुअल क्या रिव्यू है वो समझ में आता, क्योंकि सही डेमो प्रोडक्ट आपने मार्केट में दिया है। मोर रिलायबल एंड डिमांड फोरकास्टिंग मेथड, सभी मेथड में सबसे ज्यादा रिलायबल ये मेथड है, जहां पर कंज्यूमर यूज करने के बाद अपनी सेटिस्फेक्शन बता रहा है, हाँ या ना, यस और नो। नेक्स्ट, हेल्प्स टू मेजर मार्केट शेयर एंड साइज। कशाची प्रिंट देऊ नका नवीन सर, सध्या प्रिंट देऊ नका सध्या। की फीचर्स ऑफ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड, हेल्प्स टू मेजर द मार्केट शेयर एंड साइज, हेल्प्स टू मेजर द मार्केट शेयर एंड साइज। मार्केट में उनका क्या शेयर बनता है क्या नहीं बनता है उसको भी बड़े आसानी से मेजर किया जा सकता है। 1000 में से 1000 कस्टमर बोल रहे कि हम सब सेटिस्फाइड है, बट ऑब्वियस ये प्रोडक्ट मार्केट में धूम मचाने वाला है, बट ऑब्वियस ये प्रोडक्ट मार्केट में धूम मचाने वाले। थोड़ा सा वो बंद करो, आप मशीन बंद करो नवीन सर, मशीन को बंद करो। हाँ, नेक्स्ट, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास से करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट कुछ सुझाव बदलाव जो है हमें करेक्ट समझ में आ सकते हैं। मान लो सभी कस्टमर खुश है, लेकिन सभी कस्टमर का सेंसर को लेकर या उसके वॉल्यूम को लेकर थोड़ी सी रिव्यू गलत है, तो बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा है, उसके वॉल्यूम में कुछ बढ़ोतरी कम करनी है तो उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। या कैमरा क्वालिटी से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं, सभी लोग बोल रहे बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन कैमरा क्वालिटी थोड़ी 19:20 है, तो उस कैमरा क्वालिटी के ऊपर उतने से एक लैकुनर के ऊपर काम करके हम हमारे प्रोडक्ट को और बेहतर बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं, हाँ या ना। अब इसके डीमेरिट क्या है, इट इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। 1000 फोन फ्री में देना, डू यू थिंक इट विल चार्ज यू मोर कॉस्ट, यस। फिर टाइम भी है, वो लेगा यूज करेगा बताएगा, फिर हम लेंगे, फिर हम देखेंगे, फिर फोरकास्ट करेंगे, फिर निर्णय लेंगे, तो इसमें बहुत वक्त चला जाता है। नेक्स्ट, देयर इज अ डेंजर ऑफ इनकरेक्ट रिव्यूज फ्रॉम द कंज्यूमर डीलर्स।
लेट से आधे लोग परेशान है, पीठ का अहवाल है, आधे लोगों ने बोला ऐसे चने हमको पसंद नहीं है लेकिन प्रोडक्ट सचमुच में अच्छा है, तो ऐसे भी पंगे हो जाते हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर रिव्यू दे रहा है वो सही दे रहा है, बरोबर दे रहा है, नहीं दे रहा है, वीक दे रहा है, ये हमें कैसे मालूम। नेक्स्ट, ये तो हर मेथड के साथ है प्रॉब्लम। टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ वन मार्केट कैन नॉट बी अप्लाई टू अनदर मार्केट। ये जो 1000 मोबाइल आपने बांटे हैं आईफोन ने, उन्होंने यूएस में बांटे थे और सभी 1000 लोग यूएस के जो है वो राजी हो गए और वो बोले प्रोडक्ट को मार्केट में 1.5 लाख रुपए में भी मोबाइल लॉन्च किया तो हम सब लेने के लिए तैयार है। वहां के लोगों को 1.5 लाख बोलते कुछ भी नहीं है, 4 आने 8 आने डॉलर, वही 1.5 लाख का फोन वहां के रिव्यू के बेसिस पे वो इंडियन मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। इंडियन मार्केट में 1.5 लाख के फोन कितने लोग ले सकते हैं? तो इसका मतलब हमारे मार्केट का कंट्रोल एक्सपेरिमेंट उन्हें अलग से लेना होगा। एक मार्केट का रिव्यू दूसरे मार्केट में अप्लाई नहीं किया जा सकता। दिस मेथड कैन बी रिप्लेस्ड विथ कंट्रोल लेबोरेटरी मेथड एंड कंज्यूमर क्लीनिंग मेथड। इस मेथड को अब नए तौर पे बहुत बड़े बड़े लेवल पे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट या कंज्यूमर क्लीनिंग सेंटर्स बने। यूएस में अगर जाओ तो ऐसे सेंटर्स बने हैं जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड करते हैं, जहां नए नए प्रोड्यूसर्स लाकर अपने प्रोडक्ट रख देते हैं, कस्टमर्स कोई भी आता है उसको यूज करता है, अपना रिव्यू देखकर चला जाता है। ऐसे भी सर्विसेस होते हैं। देखो क्रिएटिव कहां तक बिजनेस जा सकता है, ऐसे भी लोग दिमाग लगाते हैं। राइट, नाउ दिस इज ऑल वी हैव इन द कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड। डज एनीवन हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? डज एनीवन हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? यस और नो? हाँ या ना? कमिंग टू द लास्ट सेट एंड लास्ट मेथड, प्लीज बी पेशेंट, प्लीज बी क्वाइट। सो कमिंग ऑन टू द लास्ट मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग एंड द स्टैटिस्टिकल मेथड इज द बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। द लास्ट मेथड ऑफ फोरकास्टिंग वी हैव टू स्टडी इन द फर्स्ट यूनिट, द लास्ट पार्ट, एकदम लास्ट पार्ट, बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। बैरोमेट्रिक मेथड, द वर्ड बैरोमीटर इज यूज बाय मेट्रोलॉजिस्ट टू फोरकास्ट द वेदर कंडीशन। बैरोमीटर होता है जिसका इस्तेमाल करके वेदर डिपार्टमेंट जो है, जो वेदर है उसकी फोरकास्टिंग करते हैं। बैरोमीटर इज अ इक्विपमेंट जिसका इस्तेमाल करके वेदर डिपार्टमेंट क्लाइमेट का या वेदर का फोरकास्ट करते हैं। ऑन द सेम ग्राउंड्स इकोनॉमीज यूज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स टू फोरकास्ट द डिमांड। बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग यानी हम कोई मेथड्स को, कोई मीटर को, कोई बैरोमीटर को, कोई बैरामीटर्स को, पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके डिमांड को फोरकास्ट कर रहे हैं। किसी पैरामीटर को इस्तेमाल करके फोरकास्ट कर रहे हैं। जैसे कोविड का सिचुएशन आया, जैसे ही लॉकडाउन हुआ, जैसे ही लॉकडाउन हुआ और आने वाले 4-6 महीने में लोगों को दिखने लगा कैसा सिचुएशन जाएगा, लॉकडाउन कितना लंबा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक लीडिंग इंडिकेटर इकोनॉमी में आने लगे कि आने वाले दौर में उस मार्च में सभी लोगों ने समझ लिया कि दिन ब दिन अब मास्क का डिमांड बढ़ने वाला है। तो ये जो बढ़ती डिमांड है मास्क की, ये जो लोगों ने समझी है, जिसके वजह से प्रोडक्शन फुल स्केल पे मास्क का बढ़ गया, राइट, दिस इज ड्यू टू डिमांड फोरकास्टिंग एज पर द बैरोमीटर मेथड, एज पर द बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, जहां पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एनालाइज करके हम डिमांड की फोरकास्टिंग कर रहे हैं। उस वक्त हो रही सिचुएशन के हिसाब से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये बता रहे थे कि आने वाले दिनों में हेल्थ को लेकर, सैनिटाइजेशन को लेकर, मास्क को लेकर, क्लीनिनेस को लेकर सभी चीजों की मार्केट में डिमांड बढ़ने वाली है। बड़ी नहीं लेकिन आने वाले दौर में बढ़ेगी, ये इंडिकेटर कौन दे रहा था? उस वक्त की सिचुएशन, उस वक्त की इकोनॉमिक सिचुएशन, उस वक्त की हेल्थ सिचुएशन ये इंडिकेटर दे रही थी कि आने वाले दौर में सैनिटाइजर्स और मास्क की डिमांड बढ़ेगी। बड़ी नहीं बड़ी? बड़ी ना, बहुत बड़े पैमाने पे बड़ी। सो ये डिमांड फोरकास्टिंग उस वक्त बहुत से लोगों ने की है, उन लोगों ने प्रोडक्शन किया है, इसीलिए इतने तरह तरह के मास्क अभी हमें दिख रहे हैं। ये फोरकास्टिंग उन्होंने तब की। ये फोरकास्टिंग किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर्स दे वर रिसीविंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। जो इंडिकेटर्स उन्हें आ रहे थे, क्या इंडिकेशन है आगे और कितना फैल सकता है, ये कितना लंबा चलेगा, आगे कितनी डिमांड होगी, ये इंडिकेटर्स को पहचान के लोगों ने मास्क का, सैनिटाइजर का प्रोडक्शन शुरू किया। शुरुआत में सैनिटाइजर नहीं मिल रहे थे, बाद में छोटे मोटे प्लांट कहां कहां से, कौन कौन आके जो है सैनिटाइजर बना लगा। यस और नो? राइट, द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रिफर्स टू स्टैटिस्टिकल डेटा इन्फॉर्मेटिंग रिलेटिंग वेरियस टू वेरियस इकोनॉमिक एरियाज। दिस इंडिकेटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइम इवेंट्स। नाउ
बैरोमीटर का इस्तेमाल करके वेदर का फोरकास्ट है। बैरोमेट्रिक यानी अब हम कोई इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके डिमांड की फोरकास्ट करेंगे। अब ये जो इंडिकेटर्स है ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो इंडिकेट करेंगे कि हमारी डिमांड प्रोडक्ट की आने वाले दौर में किस दिशा में जाएगी, ये तीन तरह के इंडिकेटर्स है। एक है लीडिंग इंडिकेटर्स, एक है कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स, एक है लैगिंग इंडिकेटर। अब पहला जो टाइप है वो है लीडिंग, लीड करना, कोई घटना होने से पहले उस घटना को समझना और उसके हिसाब से डिमांड फोरकास्टिंग करके डिमांड को प्रोड्यूस करना, ये चीजों को प्रोड्यूस करना इज अ लीडिंग इंडिकेटर। उस वक्त कोरोना की जो सिचुएशन हुई उस पर्टिकुलर की सिचुएशन को समझकर, उन जगहों को उन टाइम को समझकर लोगों ने यह समझा कि आने वाले दौर में कैसे मास्क की और कैसे सैनिटाइजर की डिमांड होगी। तो उस वक्त जो इंडिकेटर मिले थे वो आने वाले दौर के मास्क की और सैनिटाइजर की डिमांड दर्शा रहे थे। सो देवर द लीडिंग इंडिकेटर्स, यानी इवेंट आगे हुआ नहीं, आगे मास्क की डिमांड बढ़ी नहीं, आगे सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ी नहीं, लेकिन बढ़ेगी ये आज ही बता रहा है, होने से पहले ही बता रहा है कि आने वाले दिन में मास्क की डिमांड बढ़ेगी, आने वाले दिनों में सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ेगी। ये जो इंडिकेटर है जो बता रहा है कि अभी आने वाले दिन में ये चीज होगी, डिमांड बढ़ेगी, दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग इंडिकेटर, दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग इंडिकेटर। अब बात करते हैं कोइंसिडेंटल इंडिकेटर की, कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स यानी साथ साथ जब चीजें चल रही है तब तो इंडिकेटर्स आ रहे हैं जिससे हमें समझ में आ रहा है कि ये चीज का फोरकास्टिंग हो सकता है, ये चीजों की डिमांड हो सकती है, दोज आर कॉल्ड एज कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। जैसे ही कोरोना की सिचुएशन आई हर कोई मास्क सैनिटाइजर यूज करने लगा। मास्क सैनिटाइजर यूज करते करते जैसे हम आगे बढ़े, चलते चलते यूसेज क्लीनलीनेस सैनिटाइजेशन का मतलब समझने लगे, धीरे धीरे समझ में आया कि घरों में भी आप सैनिटाइजर तो नहीं, फ्लोर क्लीनर में भी सैनिटाइजर या जर्म क्लीनिंग के मटेरियल की लिक्विड की जरूरत है, ये साथ साथ समझ में आया। फिर बीच में स्प्रे आने लगे, घर में डेंजर ही था, कोई ऑनलाइन पहले शुरू शुरुआत में शॉपिंग वो पुणे से आया, रुक रुक रुक, घर में बाजू लगे स्प्रे, आगे से पीछे से नीचे से, उसी डब्बे को हाथ में उठा रहे और फिर कर रहे हैं, है ना, देखा ना आपने, तो वो स्प्रे आने लगी है, ये आने लगी है, वो आने लगा, क्या क्या चीजें नहीं आई पूछो। डिमांड किसकी थी? सैनिटाइजर और मास्क की। लेकिन जैसे जैसे कोरोना लॉकडाउन बढ़ने लगा, जैसे जैसे लोगों में घबराहट बढ़ने लगी, साथ साथ और चीजों की भी डिमांड बढ़ने लगी, और ये चीजों की डिमांड साथ साथ बढ़ रही है क्योंकि ये इंडिकेशन कैसे है, कोइंसिडेंटल, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे वैसे इसका इंडिकेटर आ रहा है। तो इंडिकेटर क्या है? भविष्य के बारे में बता रहा है या साथ साथ जो हो रहा है उसके बारे में बता रहा है? साथ साथ जो हो रहा है वो बता रहा है और उसके साथ डिमांड की प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये जो इंडिकेटर जो चलते चलते साथ में समझ में आ रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कोरोना वैसे वैसे समझ में आ रहे हैं, तो ये इंडिकेटर्स क्या है बेटा? कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। समय से पहले हमने समझ लिया कि मास्क का आगे डिमांड रहेगा, सैनिटाइजर का डिमांड रहेगा, दीज आर लीडिंग इंडिकेटर्स। कोविड में धीरे धीरे जैसे हम चल रहे हैं बढ़ रहे हैं, फ्लोर क्लीनर में लिक्विड में सैनिटाइजेशन की समझ आई, बाकी जो स्प्रे वगैरह के लिए समझ में आई, अलग अलग चीजों को वॉश करने के लिए क्लीन करने के लिए सैनिटाइजेशन का कैसा प्रोविजन हो सकता है वो चीजें समझ में आई, क्लीनिनेस में और क्या क्या चीजें लग सकती है वो चीजें जुड़ती गई। ये जो धीरे धीरे चीजें साथ साथ में दौर में बढ़ती गई, जिनका इस्तेमाल, जिसका फोरकास्ट, जिसका डिमांड मार्केट में बढ़ता गया, दिस वॉज ड्यू टू द कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स, दिस वॉज ड्यू टू कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। अब इसके बाद लैगिंग इंडिकेटर्स। नाउ लैगिंग, लैग यानी विच इज हैपेंड इन पास्ट, पास्ट के आधार पे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, पास्ट के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के आधार पे हम फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे इंडिया में कोविड की सिचुएशन आई, मार्केट में समझ में नहीं आया किसको क्या करना है, लेकिन हमारे इंडियन डॉक्टर्स ने एक चीज समझी कि इसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज लगती है, और एंटीबॉडीज जो है या अलग अलग पेन किलर ऐसी दवाइयों से आती है। तो फिर धीरे धीरे हमारे डॉक्टरों ने यह समझा कि वैक्सीन तो नहीं है अभी, वैक्सीन को तो टाइम है, लेकिन जो पेन किलर्स है, जो पेन किलर से जो दवाइयां हैं जिन्हें पैरासिटामोल और ऐसे ड्रग्स है जो फाइट करते हैं, जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, इसके द्वारा कहीं ना कहीं पर हम जो कोरोना का जो पेशेंट है उसे कहीं ना कहीं रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सोचना एक बात है
और इसके ऊपर कॉन्फिडेंट होना अलग बात है। कॉन्फिडेंट कब हुए? जब हम ओवर द पीरियड्स लोगों को दवाइयां देते गए और धीरे धीरे पेशेंट्स जो है वो रिकवर होते गए। धीरे धीरे उन्हीं दवाइयों को बिना वैक्सीन के भी हमारा रिकवरी रेट 80% था। कैसे? तो हमें पता थी कि उसे किस तरह की दवाइयाँ देनी है। जिस तरह की दवाइयाँ बारंबार देखी, जैसे पेशेंट ठीक हो रहे थे, उस पास्ट इंडिकेटर से हमें समझ में आया कि इस तरह का इलाज कोरोना पेशेंट का करो तो रिकवरी अच्छी होती है ना। तो अब ये जो इंडिकेटर आया है कि इन दवाइयों का इस्तेमाल करके आप जो है किसी भी कोरोना पेशेंट को ठीक कर सकते हो, ये इंडिकेटर्स या उस तरह की दवाई बनाने का फोरकास्ट हमें कहां से समझ में आया? वॉज इट अ लीडिंग इंडिकेटर? नो। वॉज इट अ कोइंसिडेंटल इंडिकेटर? नो। इट्स अ लैगिंग इंडिकेटर्स। पिछले 2-3 महीने में जो पेशेंट्स की रिकवरी हुई है, उनको किस तरह की दवाई दी गई है, उसके आधार पर हमें समझाया कि हमें किस तरह की दवाई कोरोना से शक्ति कोरोना से फाइट करने के लिए चाहिए, जिससे कि लोगों की जो शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, वो बढ़ाई जा सके। नाउ द प्रोडक्शन ऑफ दोज मेडिसिन पिक्ड अप इन द लेटर मंथ्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एवर पास्ट ट्रेंड्स वी हैड। पास्ट ट्रेंड के आधार पर हम फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, पास्ट इंडिकेटर्स के आधार पर हम फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। दिस इज लैगिंग इंडिकेटर्स। सो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके जब हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, जिसमें 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स एंड कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। सो दिस इज ऑल वी हैव इन द डिमांड फोरकास्टिंग। सो द कॉमन अवेलेबल टेक्निक्स फॉर डिमांड फोरकास्टिंग आर सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, बैरोमेट्रिक मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड सच एज ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, ग्राफिकल मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस, मार्केट स्टडीज सच एज कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स एंड कंट्रोल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। सो ओवरऑल डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, डिमांड फोरकास्टिंग को अलग अलग तरह से कैसे हम फोरकास्ट कर सकते हैं, फोरकास्टिंग क्यों करनी चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस बिजनेस में क्या है, आई होप अब आप सभी को समझ में आ चुका होगा। सो फाइनली आई कंप्लीट द फर्स्ट यूनिट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। चलो थैंक यू।